हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में आइडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को कि थोड़ा सा इशू हो गया स्टार्टिंग में तो अभी तो क्लियर है सबको आइडियो वीडियो क्लियर है चलिए तो आज हम क्लास स्टार्ट करें और आज का हमारा क्लास है कणों के निकाय तथा गति आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कणों के निकाय तथा घूर्णी गति ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले भी मैंने डिस्कस किया है और बड़ा चैप्टर है इसके कॉन्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आता ही है तो आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से अच्छे से करना है शुरुआत से आपको अच्छे से करना ही है ये क्लास ये पहला क्लास है आपको मालूम है कि जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है उसमें हम कम्प्लीटली बेसिक कॉन्सेंट पर बात करते हैं तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम आपको कणों के निकाय के बारे में बताएंगे कंप्लीटली ओके okay? देखो इस चैप्टर में आप दो वर्ड देख रहे हो एक है कणों का निकाय एक है कणों का निकाय तो कणों का निकाय क्या है और दृढ़ पिंड क्या है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी पर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो ये चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके टर्म्स को समझना यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है और ये जानना आपको बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स उसके टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं मतलब ये नहीं समझ पाते कि कण किसको बोलेंगे निकाय किसको बोलेंगे और उसके कारण फिर क्या है चैप्टर समझ में नहीं आता इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि कण किसको कहेंगे पार्टिकल किसको कहेंगे क्या है कि बहुत बार हम लोग शब्दों को यूज़ करते रहते हैं लेकिन शब्दों को यूज़ करते समय अपने को यह नहीं पता रहता कि उसका मतलब क्या है वो क्या है ये हमको पता नहीं रहता इसलिए हमको चीज़ें समझ में नहीं आती क्लियर तो हम एक एक चीज़ों पर पहले डिस्कस करें तो हम यहाँ पर देखें कि कण क्या है तो कण मतलब देखो ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो मतलब जिसका साइज है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलें उसको कोई काउंट ना करें नगण्य मान के चलें और जिसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सकती हो मतलब उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका जो आंतरिक मतलब इतना छोटा पार्टिकल है वो कि उसके आंतरिक बनावट का हम उस पर कोई डिस्कस नहीं कर सकते उसकी हम बनावट को की उपेक्षा कर सकते हैं कि कैसा बना हुआ है वो इसको हम क्या कहेंगे पार्टिकल कहेंगे ठीक है तो ये है पार्टिकल का मतलब कण का मतलब तो कण आपको समझ में आ गया कण का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जिसके आकार जिसकी आकृति नगण्य हो और जिसका जो आंतरिक बनावट है उसको हम उपेक्षित कर सकें कण कहलाता है इसके बाद देखो निकाय सिस्टम सिस्टम किसको कहते हैं कई कणों या कई वस्तुओं को कई कण हो अपने पास या कई वस्तुओं को जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं अन्योन्य क्रिया करते हैं मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के हेल्प से वर्क करते हैं वो सब को मिला के हम क्या कहते हैं निकाय कहते हैं आपने देखा होगा ये निकाय शब्द क्या होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है निकाय शब्द क्या है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो सिस्टम का मतलब होता है कि जब बहुत से कण मिलकर किसी कार्य को संपादित करते हैं यानी किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं निकाय कहते हैं इस प्रकार से बहुत सी चीज़ों को मिलकर बनाते हैं कोई सिस्टम वो वर्क करता है वो मतलब एक तरह से वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कणों का समूह होता है लेकिन उस समूह की विशेषता है कि वो किसी कार्य को कंप्लीट करता है केवल कणों का समूह बना लेंगे तो निकाय नहीं बनेगा वो कोई वर्क डन करता हो तब वो क्या कहलाता है सिस्टम कहलाता है फिर हम देखते हैं आंतरिक बल इंटरनल फोर्स आंतरिक बल क्या कहलाता है निकाय के अवयव एक दूसरे पर अन्योन क्रिया करते हुए अन्योन मतलब इंटरेक्शन होता है उनके बीच में एक दूसरे पर बल लगाते हैं और उनके उसे आंतरिक बल कहते हैं मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सिस्टम होता है जब बहुत सारे कण मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम के सभी पार्टिकल के बीच में कोई इंटरनल इंटरेक्शन हो अन्योन्य क्रिया हो तो उनके बीच में जो बल लगेगा उसको हम क्या कहते हैं आंतरिक बल कहते हैं इस प्रकार से सबसे पहले हमको क्या है इसके टर्मिनोलॉजी को समझना है सबसे पहले हम उसका टर्मिनोलॉजी को समझना है शुरुआत में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है साफ दिखाई नहीं दे रहा है साफ तो दिख रहा होगा आप अपना इंटरनेट चेक कर लो या फिर आप क्या है आप क्वालिटी को बढ़ा के देखो 1080 पर देखो आपको क्लियर दिखाई देगा ठीक है बाकी लोग को सही दिख रहा है मुझे मालूम है जिनको देखने में प्रॉब्लम है वो क्वालिटी बढ़ा के देखें चलो तो इतनी बात समझ में आ गई आपको अगला हम देखते हैं अगला हमारा टर्म है मैं सभी टर्मों को यहाँ पर कलेक्ट किया हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके देखो वाह्य बल वाह्य बल क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स या वाह का मतलब क्या होता है निकाय के बाहर कणों वस्तुओं या निकायों निकाय के बाहर यह है वाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो निकाय के बाहर कणों वस्तुओं या निकायों द्वारा निकाय पर लगने वाले बल को हम वाह्य बल कहते हैं अभी मैंने क्या बताया कण फिर निकाय तो जब कणों से मिलकर कोई सिस्टम बनता है और उस सिस्टम पर हम कोई बाहर से बल लगाएं यदि हम सिस्टम पर क्या है बाहर से बल लगाएं तब उसको हम क्या कहते हैं वाह्य बल बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं ओके इसके बाद आपको विलगित निकाय ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विलगित निकाय इंग्लिश में बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम इस शब्द को जब मैं फिजिक्स में यूज़ करता हूँ इस शब्द को जब मैं फिजिक्स में यूज़ करता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम तो बहुत से स्टूडेंट्स लोग को कन्फ्यूजन समझ में नहीं आता कि सर सिस्टम तो सुना था लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है क्योंकि जैसे अपन ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का भी जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो कई बार हम ये शब्द यूज़ करते हैं कि किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा शून्य होती है या नियत होती है तो फिर वहाँ पर विलगित निकाय बड़ा अजीब सा लगने लगता है इसलिए मैं एक एक टर्मिनोलॉजी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है यदि किसी निकाय पर कोई वाइस बल न लग रहा हो तो उसे विलगित निकाय कहते हैं देखो यहाँ पर मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्स जब किसी सिस्टम पर जब किसी सिस्टम पर बाहर से फोर्स लगते रहता है तब उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं लेकिन यदि किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो हमारे पास कोई सिस्टम हो और उस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तब ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे विलगित निकाय बोलेंगे जब बाहर के सराउंडिंग से लगने वाले बल से मुक्त हो मतलब उस पर कोई बल ना लग रहा हो तो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है ओके तो इतनी टर्मिनोलॉजी पर किसी को कोई प्रॉब्लम यह परिभाषा आप नोट करके लिख के रखना क्योंकि बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए तभी आपको वो आगे समझ में आएगा चलिए आगे हम देखें नेक्स्ट अब हम देखते हैं दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र पहले तो हम थोड़ा सा दृढ़ पिंड पर बात करें उसके बाद हम उसका सेंटर ऑफ मास पर बात करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर दें आपको कि दृढ़ पिंड क्या है फिर देखेंगे उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है तो पहले हम देखें दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी इंग्लिश में बोला जाता है रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी यह दृढ़ पिंड क्या होता है रिजिड बॉडी क्या होता है देखो नाम से स्पष्ट है दृढ़ आप बोलते हैं दृढ़ संकल्प किया तो दृढ़ शब्द से ही आपको समझ में आ जाता है कि ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा जिसमें चेंज के लिए बहुत ज्यादा बल का जरूरत पड़े माने जो दृढ़ हो जिसमें चेंज करना मुश्किल हो ठीक है जो बिल्कुल डिटरमाइन पर्सन होता है मालूम है उसको आपको चेंज नहीं कर सकते तो यहां पर हम पिंडों के बारे में बात करें तो दृढ़ पिंड किसे कहते हैं वैज्ञानिकों ने ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड माना जिन पर वाह लगाने से उनकी आयतन आकृति या किसी प्रकार के डिजाइन में कोई चेंज ना हो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं दृढ़ पिंड कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो अपने पास इस तरह से कोई एक पिंड है मान लो हमने एक पिंड लिया ये मान लो कोई एक पिंड है और इस पिंड पर मान लो मैं बाहर से बल लगा रहा हूँ इस पर मैं बहुत से बल लगा रहा हूँ यह बल लगाया इधर से भी मैं इस पर बल लगाया सब तरफ से इस पर मैं बल लगाया और इतने सारे वाह्य बल लगाने के बाद भी इस पिंड के ना तो आयतन में ना आकृति में डिजाइन में किसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे दृढ़ पिंड कहेंगे चाहे हम उसमें कितना भी बल क्यों ना लगा लें लेकिन आप समझ सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि यदि हम क्या है पिंड में बल के मान को बढ़ाते जाएं तो एक टाइम तो पक्का ऐसा आएगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होगा और नहीं तो टूट जाएगा वो तो आप सोचोगे फिर ऐसे में तो दृढ़ पिंड कोई हो ही नहीं सकता तो ये बात सत्य है कि प्रैक्टिकल लाइफ में दृढ़ पिंड हम ओनली इमेजिन कर सकते हैं फिर आप सोचोगे सर दृढ़ पिंड क्यों माना गया तो वास्तव में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि भाई ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड मान लेंगे जिसके आयतन आकृति या डिजाइन में परिवर्तन के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े तो आइडियल कंडीशन में कई चीज़ों को हम आदर्श स्थिति में मान लेते हैं कई चीज़ों को हम आदर्श स्थिति में मान लेते हैं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है फिर भी हम उसको मान लेते हैं तो कुल मिला यदि हम दृढ़ पिंड के बारे में बोलें तो ब्रह्मांड में कोई भी पिंड हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकता हंड्रेड परसेंट दृढ़ पिंड नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हम ऐसे पिंडों को फिर भी हम ऐसे पिंडों को जिनके आयतन या आकृति में परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं दृढ़ पिंड कहते हैं ओके तो ये ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं ध्यान रखना जिसके आयतन या आकृति में परिवर्तन के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है अब देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेकंड जो पार्ट है यह है सेंटर ऑफ मास और मैं आपको सेंटर ऑफ आप मास को पहले समझा दूँ उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या है देखो आपको ये बात पता है कि कोई भी पिंड अपने पास है कोई भी वस्तु है कोई भी है ये मान लो मैंने एक पिंड ले लिया अब यह पिंड आपको मालूम है असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ऐसा नहीं कि इसमें एक कण होते हैं इसमें असंख्य अनगिनत छोटे छोटे कण होते हैं असंख्य छोटे छोटे कण होते हैं और सभी कण के अपने द्रव्यमान होते हैं मान लो इसका द्रव्यमान M1 है इसका द्रव्यमान M2 है इसका द्रव्यमान M3 है इसका द्रव्यमान M4, M4 है इसका द्रव्यमान M5 है इस तरह से देखो माने इसमें बहुत से अनंत छोटे छोटे कण हैं तो जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और सब का अपना अलग द्रव्यमान केंद्र है तो जब हम किसी पिंड का द्रव्यमान बोलते हैं कि इसका द्रव्यमान टेन के है तो भाई वो किसका है कि एम का है कि एम का है कि एम का है किसका है आप सोचो तो बोलोगे कि सर सबके योग का होगा निश्चित रूप से सबके योग का है तो उसका कोई पोजीशन तो होगा कहीं पर वो एक्ट तो होगा कहीं पर वो काम तो कर रहा होगा जहां पर हम बोलेंगे कि भाई यहां पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है तो यहाँ पर यह देखा गया कि किसी भी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है किसी भी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उस बिंदु को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान किसी भी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है किसी भी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उस बिंदु को हम क्या कहते है? हैं सेंटर ऑफ मास कहते हैं माने वहां पर पूरा पिंड का द्रव्यमान को हम एक्टिव मान सकते हैं यदि मान लो इस पिंड के द्रव्यमान को हम जानना चाहें तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा मान लो मैं इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींच दू इस प्रकार से तो आपको इसी बिंदु पर आपको इसी बिंदु पर उसका पूरा द्रव्यमान मिलेगा पूरा मास इसी लाइन पर आपको मिलेगा कहीं पर भी यदि हम सिर्फ इसी बिंदु को किसी वेइंग मशीन पर मतलब भार मापने वाली मशीन पर केवल इसी बिंदु को हम रख दें इसकी सहायता से तो पूरे पिंड का द्रव्यमान बता देगा इसका मतलब यह है कि वो लाइन सेंटर आप मास से होके जा रहा है अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या द्रव्यमान पिंड ए, क्या द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर ही होता है जैसे यहां पर मैं आपको चित्र में बता रहा हूं कि यह द्रव्यमान केंद्र है तो क्या द्रव्यमान केंद्र हमेशा पिंड के अंदर होता है तो ऐसा नहीं है द्रव्यमान केंद्र पिंड से बाहर भी हो सकता है लेकिन यह किस कंडीशन में होता है जब हमारे पास कोई सिस्टम है अभी मैंने आपको बताया कण और निकाय तो ये एक पार्टिकल है मान लो लेकिन ऐसे कई पार्टिकल बन जाएं और एक सिस्टम बना लें ऐसे बहुत सारे कण मिल गए यदि कोई निकाय बना लें तो उस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वह क्या है उसके किसी पिंड के बाहर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम मून और अर्थ मून और अर्थ एक निकाय लेते हैं तो सपोज मून और अर्थ एक निकाय में अर्थ मून सिस्टम यदि हम यहां पर अर्थ मून सिस्टम पर बात करें तो मान लो हमारे पास ये अर्थ है सपोज ये सपोज ये हमारी पृथ्वी है और सपोज हम ले लेते हैं मून ये चंद्रमा है ठीक चंद्रमा चमकीला और पृथ्वी ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह है, है ना ब्लू प्लेनेट बोलते हैं ना पृथ्वी को चलो ऐसा कलर मैंने यहां कंबाइन कर लिया अब यहां पर देखो मान लो ये अर्थ है और ये मून है अब यहाँ पर एक सिस्टम बना दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाए अर्थ मून सिस्टम अब यहाँ पर हम देखें कि इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है तो इनका द्रव्यमान केंद्र ना तो अर्थ में होगा ना तो मून में होगा इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मान लो इसको मिलाने वाली रेखा ये है तो इस रेखा पर कहीं पर बाहर में होता है यहां कहीं पर होता है सेंटर ऑफ मास और इसी सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है ये बैलेंस में होता है इस प्रकार से ध्यान में रखना ये जो ग्रेविटेशन पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होता है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको तो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कोई जरूरी नहीं कि पिंड पर हो किसी एक पर्टिकुलर पिंड का कण का यदि हम किसी के कण या एक पिंड के बारे में बात करें तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वह उस पिंड पर हो सकता है लेकिन यदि हम एक सिस्टम की बात करें एक निकाय की बात करें तो निकाय का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह क्या है पिंड से बाहर हो सकता है जैसे यहाँ पर अर्थ मून सिस्टम में आप देख रहे हो कि ये सेंटर ऑफ मास क्या है अर्थ और मून से बाहर है इस प्रकार से यदि हम दो कर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहें तो टू पार्टिकल सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र निकालने का फार्मूला होता है फिर अपन एन पार्टिकल सिस्टम का भी द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखें दो कर्ण निकाय दो कण निकाय का सेंटर ऑफ मास साठ फॉर्म में लिख दिया दो कण निकाय का सेंटर ऑफ मास तो कण निकाय के यदि हम सेंटर ऑफ मास निकालें तो किस प्रकार से निकलेगा देखो ये और ये एक्स और वाई एक्सिस है यहां पर देखो ये फिगर आप ध्यान से समझना यहां पर सपोज टू पार्टिकल है एक पार्टिकल मान लो ये है और इसका द्रव्यमान m1 है और ए पार्टिकल ये है जैसे मैं अर्थमून बताया इसका द्रव्यमान क्या है m2 है अब हम इसका डिस्टेंस देखें ओरिजिन से हम इसका डिस्टेंस देखें तो मान लो इसका डिस्टेंस मान लो इसका डिस्टेंस ये है और इसका डिस्टेंस ये है अब इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमने ले लिया ये और इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं पर होगा ये इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है अब यहाँ पर हम इसके पोजिशन वैक्टर को शो कर दें मान लो ये मूल बिंदु है ओ है तो ओ से लेके एम वन का इसका जो स्थिति सदिश है पोजिशन वैक्टर वो सपोज आर वन है और यहाँ से ओ से लेके एम टू तक इसका स्थिति सदीस मान लो क्या है आर टू है इसका पोजिशन वैक्टर मान लो आर टू है तो सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश होगा

तो दोनों के दोनों निकाय का जो सेंटर ऑफ मास है द्रव्यमान केंद्र है इस द्रव्यमान केंद्र का जो पोजिशन फैक्टर है वो सपोज आर है द्रव्यमान केंद्र से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ मास से नीट में तो बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन फिक्स पेटेंट है आप नीट के यदि आ, उस पर जाएंगे वेटेज पर या उसके ब्लूप्रिंट पर यदि हम डिस्कस करें उसके वेटेज पर डिस्कस करें तो कम से कम तीन या चार क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जिसमें एक या दो क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट सेंटर ऑफ मार्स से आता है आई आई टी जे में भी इस इसमें से क्वेश्चन आता है बिकॉज क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस होता है नीट में थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटर ऑफ मार्क्स निकालने को ही पूछ देता है बट जी uh, में जो इसमें जे में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन पर होता है और नीट में तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है सेंटर ऑफ मार्क्स निकालने का फार्मूला तो न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं लास्ट में मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर जो आर सी एम है सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फार्मूला है वो ये होता है आर सी एम आर सी एम सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम वन आर वन मतलब उसका द्रव्यमान और उसका स्थिति सदिश, एम वन आर वन और प्लस एम टू आर टू और अपान हो जाता है एम वन प्लस एम टू इस प्रकार से हम इस फार्मूला की सहायता से, से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं हम इस फार्मूला की सहायता से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं दो करण निकाय के लिए अब देखो ये तो दो करण निकाय की बात हुई अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो कर निकाय रहेगा तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है पार्टिकल की थी कोई गिनती नहीं है तो यदि हमारे पास एन पार्टिकल सिस्टम हो जैसे यहां पर मैंने लिखा है दो करण निकाय का द्रव्यमान केंद्र लेकिन सपोज अपने पास एन पार्टिकल सिस्टम है ठीक है तो उसके लिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा देखो इसी फार्मूला को एक्सटेंड करके हम लिख सकते हैं किसके लिए एन करण निकाय के लिए एन कण निकाय के लिए तो एन कण निकाय के लिए एन पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा देखो एन पार्टिकल सिस्टम मतलब हमारा जो सिस्टम है वह अब एन कणों से मिलकर बना हुआ है तो एन कण निकाय के लिए इसका फार्मूला क्या होता है आर सी एम आर सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ पर हमने देखा आर सी एम निकाला है किसके लिए दो कण निकाय के लिए यदि हम एन कण निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास निकालें तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा और उसी के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा ये एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एन सो वन प्लस एम एन आर एन और अपान में हो जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एन सो वन प्लस एम एन इस प्रकार से ये एन कर निकाय के सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला है एन कर निकाय का सेंटर ऑफ मास हम ऐसे निकाल सकते हैं ओके okay? तो ये फार्मूला आप लर्न करो ये फार्मूला बहुत यूजफुल है इस फार्मूला को यूज करके आगे हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ठीक है इतना आप नोट करो फिर आगे हम आपको बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के सेंटर ऑफ मास का सिचुएशन अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से सुनो कि सेंटर ऑफ मास का पोजिशन कुछ आपको मैं डेली लाइफ में एग्जाम्पल दे रहा हूं देखो हमारे पास नेचर में जो भी बॉडी मिलता है जो भी पिंड मिलता है वो दो कंडीशन में मिलता है एक तो रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित आकृति वाला पिंड मतलब जिसका डिज़ाइन फिक्स हो जिसका कोई नाम हो जैसे गोला घन घनाभ, शंकु ये सब क्या है रेगुलर साइज वाले पिंड हैं मतलब इनका डिज़ाइन का नाम है इन डिज़ाइन के हम आयतन निकाल सकते हैं इनका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो इस तरह के पिंड को हम रेगुलर बॉडी बोलते हैं मतलब नियमित आकृति वाले पिंड बोलते हैं ओके और एक होता है इरेगुलर बॉडी मतलब अनियमित आकृति वाले पिंड फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं पर सड़क से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और उसको इस तरह से अपन शो किए है ना फिगर बनाऊं क्या देखो इस तरह से मैं रेगुलर पिंड का कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं रेगुलर बॉडी का तो सपोज ये जैसे ये रेगुलर बॉडी है और इ रेगुलर बॉडी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है ये इ रेगुलर बॉडी है ये ठीक है तो रेगुलर बॉडी इ रेगुलर बॉडी नियमित आकृति का पिंड नाम भी लिख दूं यहां पर मैं ये है नियमित नियमित आकृति और यह है अनियमित आकृति इस प्रकार से नियमित आकृति और अनियमित आकृति के पिंड हमको नेचर में मिलता है अब यह मैं डिस्कस आपसे क्यों कर रहा हूँ यह डिस्कस करने का मेरा पर्पस यह है कि जो रेगुलर साइज एंड शेप वाले जो बॉडी होते हैं जो पिंड होते हैं उनका सेंटर ऑफ़ मास कैलकुलेटेड होता है उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कैलकुलेटेड होता है मतलब वो फिक्स होता है कि कहाँ पर होगा क्योंकि हमने उसका अध्ययन कर लिया उसकी स्टडी कर लिया है और देख लिया है कि इस तरह के पिंड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ओके okay? लेकिन जो इरेगुलर है जो अनियमित आकृति के पिंड हैं उनके सेंटर ऑफ मास के बारे में हम नहीं जानते उनको हम फिक्स नहीं कर सकते कि यहीं पर है यहीं पर है यहीं पर है उसको निकालना पड़ता है उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं तो यहाँ पर रेगुलर जो नियमित आकृति वाले पिंड हैं उन नियमित आकृति वाले पिंडों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है इसका पूरा स्टडी कर लिया गया है और उसका जगह फिक्स है कि वो कहाँ पर होगा तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इस तरह के पिंडों का आपको सेंटर ऑफ आप मास का ज्ञान होना चाहिए उसका पता होना चाहिए कि हम सेंटर ऑफ मास को कैसे जाने ठीक है तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ और उस चार्ट को आप प्रिपेयर करोगे उस चार्ट को आप प्रिपेयर करोगे फिर आपको याद रहना चाहिए कि इस पिंड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देने में आपको काम आएगा ये बताने से पहले मैं आपको एक डिस्कस करूँ कि, कि किसी भी पिंड का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी के अकॉर्डिंग उस पिंड में स्टेबिलिटी होती है या स्थायित्व होता है कैसे जैसे आपने बचपन में इस तरह से कुछ एग्ज़ाम्पल सुना या पढ़ा होगा क्या कि मान लो ये कोई व्हीकल है मान लो ये कोई ट्रक है मैं एक सिंबॉलिक फिगर बना रहा हूँ और यह एक दूसरा ट्रक है यह आपने सुना होगा यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेस पर ही होता है और मान लो इस ट्रक के ऊपर इस ट्रक के ऊपर हमने कोई लोड रखा है यह लोड मान लो इतने हाइट तक है और इस ट्रक के ऊपर हमने लोड रखा इतने हाइट तक इतने हाइट तक रखा हुआ है ये ये आप इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए कि एक व्हीकल ये है इस तरह से ठीक है एक व्हीकल ये है आपका और इसमें यह सामान रखा हुआ है इसके ऊपर ये लोड है और एक व्हीकल आप यहाँ पर देख रहे हो एक व्हीकल ये है ये भी कोई ट्रक है या कोई भी व्हीकल आप इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए ठीक है और इस व्हीकल में लोड यहाँ तक रखा हुआ है यहाँ तक रखा हुआ है अब यह इसको लेके जा रहा है सपोज़ इसमें जो लोड है यह भी 10 टन का है 10 टन का लोड इसमें है 10 टन का और यह भी लोड 10 टन का है सपोज़ ये लोहे का सिल्ली रखा हुआ है और यह क्या है रुई भरा हुआ है या कोई हल्का चीज भरा हुआ होगा ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये दोनों रोड में मोशन कर रहे हैं यदि रोड उबड़ खाबड़ हो उल्टा सीधा हो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आया तो रोड में पलटने का चांस ये ट्रक नंबर फर्स्ट है इसको ट्रक ए बोल दिया सपोज इसको ट्रक बी बोल दिया तो आप मेरे को ये बताओ कि रोड में पलटने का चांस या आपने रोड में प्रैक्टिकली ये देखा भी होगा ए का ज़्यादा होगा की बी का ज्यादा होगा अब बताइए यहां पर आंसर दीजिए कि रोड में पलटने का चांस दोनों में बराबर भार है यहां भी दस टन है यहां भी दस टन है भार में कमी वृद्धि नहीं है बस यह क्या है लोहा भरा है तो इसका ऊंचाई यहां तक है यह रुई भरा हुआ है तो इसकी ऊंचाई यहां तक है तो कौन सा प्लट जल, ट्रक जल्दी पलट जाएगा बी यह सबको मालूम है मेरा को मालूम है ये हर किसी को सुमित यादव ए जल्दी पलट जाएगा वाह भाई क्या बात है आप बस ए बोल रहे हो सुमित बाकी सब तो भी बोल रहे हैं आपने कभी रोड में देखा होगा कि भूसा भर के या रुई भर के या कोई हल्का चीज भर के बहुत ऊंचाई तक कोई ट्रक जाते रहता है तो बहुत जल्दी उसके पलटने का चांस रहता है लेकिन कोई भारी सामान भरा हुआ हो लोहा भरा हो या किसी प्रकार का हैवी चीज भरा हुआ हो भले उसमें बहुत वजन भरा हुआ है उसके पलटने का चांस कम होता है तो इसके पलटने का चांस ज़्यादा है इसका और उसका कारण क्या है क्योंकि यदि हम इसके द्रव्यमान केंद्र पर डिस्कस करें तो इसका द्रव्यमान केंद्र मान लो इस ऊंचाई पर है माने रोड से इतनी ऊंचाई पर इसका द्रव्यमान केंद्र है तो इसका द्रव्यमान केंद्र रोड से बहुत ऊंचाई पर होता है तो द्रव्यमान केंद्र जितना हाइट में जाते जाएगा या उसका ग्रेविटेशन पॉइंट जो है उसका गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र का सिमिलर रिलेशन होता है तो जैसे 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 उसका हाइट ऊपर जाते जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है ग्रेविटेशन पॉइंट का क्लियर फिर आपने देखा होगा अभी मैं एक आपको एक ट्राई बता रहा हूँ एक खिलौना बता रहा हूँ क्लास में मैं आपको दिखाने के लिए ही लाया हुआ हूँ वो खिलौना मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा पहले उस पर मैं डिस्कस कर लूँ आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा पिंड है या बहुत सारा उसका एरिया है लेकिन किसी एक पॉइंट पर वो बैलेंस रहता है जैसे आपने मेले वगैरह में बच्चों के लिए खिलौने में देखा होगा बाज बाज की चिड़िया जैसे होता है उसके पंख होते हैं और वहाँ पर क्या है उसके चोच पर सामने पूरा बैलेंस पॉइंट होता है या ये खिलौना मैं आपको बता रहा हूँ देखो ये खिलौना आप देख रहे होगे सब ये खिलौना बहुत ध्यान से समझना आप और यहाँ पर आप देखो इस खिलौने में कि यहाँ पर इसके पैर में ठीक है ये एक दो बाल है ये रेड कलर का और ये एक आदमी है इसके पैर में यहाँ पर एक नुकीला है और यह नुकीले पोजीशन पर यह देखो इस तरह से बैलेंस हो जाता है ये खिलौना आप लोगों ने देखा होगा ठीक है ये बच्चों को खेलने के लिए मेले में मिलता है और बहुत तरह का मिलता है अब इसको मैं किसी भी तरह से इसको हिला दूँ इसको पीछे कर दूं अगल बगल कहीं भी कर दूं तो ये गिरता नहीं एक पॉइंट पर ये क्या होता है ठहरा हुआ रहता है इसको एक पॉइंट पर कहीं भी हम ठहरा सकते हैं ऐसा नहीं कि मेरी उंगली में ही ठहरा हुआ है इसको हम चाहें तो यहाँ पर भी कहीं पर भी ठहरा है सकते हैं देखो जहाँ चाहें वहाँ पर इसको एक बिंदु पर हम ठहरा सकते हैं ये पूरा हिल डुल रहा है लेकिन वो गिर नहीं रहा है लेकिन इस पॉइंट को छोड़ के देखो ये पूरा एक सिस्टम है ये ये आदमी पूरा एक सिस्टम है इसका इधर बाल है ये है पैर है सिर सब है लेकिन यहाँ इसका पूरा द्रव्यमान इसका पूरा द्रव्यमान इसके एक पैर में एक छोटा सा पॉइंट है वहाँ पर सेंट्राइड है इसीलिए क्या है अपने द्रव्यमान केंद्र पर ये पूरा बैलेंस है क्लियर तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि किसी भी बॉडी का किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही उस बॉडी का टोटल जो बैलेंस है वो सेंट्राइड होता है क्लियर ये आपको समझ में आ गया या मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे मान लो हमको कभी क्या होता है कि कहीं पर से किसी हैंड पंप से या कहीं से बकेट से बाल्टी से पानी भर के लाना होता है तो बाल्टी से पानी भर के लाना होता है तो एक बाल्टी मान लो अपने पास है तो उस बाल्टी को हम उठाते हैं तो जिस साइड में उठाते हैं उसके अपोजिट में ऐसा झुक जाते हैं मान लो दाहिने हाथ में हमने बकेट में पानी रखा हुआ है तो हम बाएं तरफ झुक जाते हैं और यदि हम बाएं हाथ से बकेट रखे हैं तो दाहिने तरफ झुक जाते हैं ऐसा क्यों करते हैं कि हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है जो लगभग ये हमारे सेंटर में यहाँ पर होता है जिस पर हम बैलेंस रहते हैं तो वहाँ पर अपने बैलेंस पॉइंट को वहाँ पर बनाने के लिए हम अपने बॉडी के पोजिशन को चेंज करते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि इक्वल वेट का यदि हम दो बकेट दोनों हाथ में उठा लें तो उसको हमको आसानी से सीधा सीधा ले जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि इतना वेट बाएं तरफ भी है इतना वेट दाएं तरफ भी है तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक जगह कॉन्सनट्रेट होता है निश्चित होता है यह आपने देखा होगा कि ऐसा तिरछा खड़े रहना मुश्किल है इधर तिरछा रहना खड़े रहना मुश्किल है लेकिन यदि हमको बहुत देर तक खड़े होना हो तो अटेंशन हम खड़े होते हैं सीधे खड़े होते हैं ताकि हमारा पूरा वेट एक फिक्स पॉइंट पर हो और दोनों पैर पर बराबर वेट हो और हम बैलेंस में खड़े रह सकें लेकिन हमको कोई बोले कि 30 डिग्री से सेल्टील्ड होके अंश से झुक के आप खड़े रहो तो ज्यादा देर तक हम खड़े नहीं हो सकते ठीक है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दैट आपको मैं यह बताया कि किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होता है जहां पर पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है ओके ये बात आपको आ गई समझ में अब हम यहां पर देखते हैं कि जब हम सेंटर ऑफ मास अभी मैंने आपसे बात किया था रेगुलर बॉडी एंड इेगुलर बॉडी तो ये जो रेगुलर नियमित पिंड और अनियमित पिंड तो नियमित पिंडों के द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होते हैं ये मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ और कंप्लीट हम इस चार्ट पर डिस्कस करते हैं और ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कभी भी आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीन भी ले लो और इसको आप अपने फेयर नोट्स में लिख के रखो आप इसको अपने फेयर नोट्स में आप लिख के रखो ठीक है एप्लीकेशन आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं नोट्स के लिए लेकिन एप्लीकेशन में यदि आपको नीट का क्लास लेना है तो उसके लिए आपको उसको परचेस करना पड़ता है बाकी एप्लीकेशन में नोट्स फ्री है और एप्लीकेशन के और बाकी फैसिलिटी आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो कोर्स है हमारा वो भी नीट के लिए है इलेवन ट्वेल्थ तो हम पूरा आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं इलेवन ट्वेल्थ क्लास के लिए हमारे एप्लीकेशन पर कोई कोर्स नहीं है एप्लीकेशन पर कोर्स नीट के लिए है वो आप जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं हाँ नीट के लिए कोर्स है चल रहा है नीट का कोर्स अभी स्टार्ट किया है हमने जेई का बेच हमने लाया था अभी वो किसी कारण से उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया अभी तो नीट का क्लास चल रहा है तो ये चार्ट में आप देखो चार्ट में एक, एक बात आप देख रहे हो कि जैसे एक समान छड़ यहाँ पर देखो एक समान छड़ यूनिफॉर्म राड ये आप याद कर लेना याद ही करना पड़ेगा इसको एक समान छड़ तो छड़ के मध्य बिंदु पर जैसे हमारे पास कोई राड हो ये सेंटर ऑफ मास लिखा है हमने जैसे कोई राड हो जैसे मैं हाथ में रखा हूँ एक राड की तरह है तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा इसका ठीक सेंटर में होगा तो आपको इसको लर्न ही करना है इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसको लर्न करना है और यह बहुत यूजफुल है बहुत काम का है ठीक है आगे आपको इसको बहुत काम आने वाला है उसके बाद देखो वृत्ति वलय वलय मतलब रिंग वलय मतलब क्या होता है रिंग छड़ मतलब होता है राड। तो रिंग का जो होता है वह उसके सेंटर पर होता है मतलब जैसे रिंग है उसके सेंटर पर ये रिंग है तो उसके ठीक सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होता है क्लियर इसके बाद हम देखें वृत्ति चक्ति चक्ति मतलब डिस्क डिस्क जो होता है डिस्क का चक्ति के केंद्र पर होता है जैसे इसके केंद्र पर होता है वैसे इसके भी केंद्र पर होता है फिर अपन देखें आयताकार समांतर चतुर्भुज के आकार या वर्गाकार पतला चादर आयताकार हो वर्गाकार हो या फिर वो समांतर चतुर्भुज के आकार का हो ऐसा हो तो उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं उसके, है, उसके जो विकर्ण होते हैं उस विकर्ण के कटान बिंदु पर होता है मतलब जैसे डायगोनल आप चित्र में देख रहे हो इसका तो आप स्क्रीन शाट ले लो और प्रॉपर आप इसका नोट्स बना के रखो ये बहुत यूनिक कलेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है मतलब उसके जो डायगोनल होंगे वो जहाँ पर काटेंगे कल के लिए किसी न्यूमेरिकल में किसी प्रॉब्लम में आपको यदि पिंड की आकृति का पता चल जाए कि पिंड इस आकृति का है तो आप तुरंत बता लोगे कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है तो इस तरह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पर होगा इसके बाद देखो त्रिभुजाकार पतला चादर मतलब यदि हमारा जो पिंड है वो त्रिभुज के आकार का चादर हो सीट हो मतलब त्रिभुज ना हो ना त्रिभुज के आकार का सीट हो तो त्रिभुज के आकार का जो सीट होगा घूर्णी गति क्या है इसके बाद पढ़ेंगे घूर्णी गति का नंबर इसके बाद आता है भाई नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन तो ये जो त्रिभुजाकार पतला चादर होता है उसका मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है जैसे एक मध्यिका ये हो गया दूसरा मध्यिका ये हो गया तीसरा मध्यिका यह हो गया तो तीनों मध्यिका एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है तो मध्यिका के कटान बिंदु पर होता है क्या इसका सेंटर ऑफ मास ओके इसके बाद आप देखो बेलनाकार छड़ बेलनाकार छड़ मतलब हमारे पास जो राड है अभी ये राड है वो तो रेक्टेंगुलर राड है बार है वो लेकिन यहाँ पर जो राड है वो क्या है इसके भी द्रव्यमान केंद्र तो इसके सेंटर पर होता है मतलब इसी की तरह होता है जैसे पहला बताया ये इसी की तरह होता है ठीक है तो इस लाइट का आप स्क्रीन शर्ट ले लो और आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बना लो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बात पूछो केमिस्ट्री की क्लास मंडे को होगी थोड़ा भी सर को कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं ले पा रहे हैं क्लास मंडे से क्लास होगी नेक्स्ट अब देखो यहां पर कुछ और बॉडी के इंपॉर्टेंट कलेक्शन ये क्या है देखो ध्यान देना ये गोला ये गोला तो गोला का उसके केंद्र पर होता है मान लो अपने पास कोई गोला है तो गोले का जो सेंटर ऑफ मास है उसके केंद्र पर होता है क्लियर इसके बाद देखो शंकु बहुत इंपॉर्टेंट है शंकु में दो पढ़ना है आपको एक खोखला शंकु और ये ठोस ये ठोस शंकु है दो शंकु पढ़ना है तो शंकु का जो ठोस शंकु का होता है उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो देखो शीर्ष को आधार के केंद्र से मिलाने वाली रेखा शीर्ष को आधार के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर आधार की लिए कुल लंबाई का एक चौथाई ये आधार की जो कुल लंबाई है ये आधार की जो कुल लंबाई है उसके एक चौथाई पर यहाँ पर मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ मतलब यदि आधार की कुल लंबाई मान लो एच है जिसको हम उसकी ऊंचाई कहते हैं तो ये एच बाई फोर पर होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको बहुत कम लोग जानते हैं और यूज़ होता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है यह मैं जानता हूँ इसलिए आप ध्यान रखना कि ठोस शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह शंकु के ऊंचाई का वन फोर्थ माने एज बाई फोर कहाँ से ग्राउंड से उस पर होता है और ऊपर से कहें तो थ्री एज बाई फोर यदि हम ऊपर से कहें तो थ्री एज बाई फोर और यहाँ से कहें तो एच बाई फोर ये इसका द्रव्यमान केंद्र है ये जो पॉइंट है वह द्रव्यमान केंद्र है ठीक है इसके बाद देखो घनाभ का तो घनाभ का ये विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है घनाभ के जो विकर्ण होते हैं तो इनका जो कटान बिंदु होता है वहां पर द्रव्यमान केंद्र होता है ये आसान है तो ये शंकु ज़्यादा डिफिकल्ट है इसके बाद अर्धगोला भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो अर्धगोला जो होता है हाफ जो सेमी सर्कल होता है तो अर्धगोला का ये ध्यान में रखना थ्री बाई एट आर मतलब यहां पर आर यदि इसकी त्रिज्या है तो आर के त्रिज्या का तीन बटे आठ कहाँ से इसके बेस से ये और बहुत अलग टाइप का फार्मूला है ये सब कैलकुलेट किया गया है तो जिसको मैं टिक कर रहा हूँ उसको आपको ज़्यादा ध्यान से समझना है ठीक है शंकु को आपको ज़्यादा ध्यान से याद रखना है एज बाई फोर पर होता है और यह होता है थ्री आर बाई ठीक है थ्री आर बाई एट पर होता है इस प्रकार से आप देखो कि यह जो होता है अर्ध गोला ये जो अर्ध गोला होता है तो अर्ध गोला का इसकी त्रिज्या का थ्री अपॉन एट आर वो भी कहाँ से बेस से इसके बाद देखो लास्ट है खोखला शंकु ये तो ठोस शंकु था यह खोखला शंकु है तो खोखला शंकु का अक्ष पर आधार से एच बाई थ्री ये एच बाई फोर होता है ठोस में और खोखला में एच बाई थ्री होता है यह दोनों को समझना ठोस में एच बाई फोर और खोखला में एच बाई थ्री ठीक है तो यह है बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये चीज़ यदि आप याद कर लिए तो आपको सेंटर ऑफ आप मास में किसी पिंड का परेशानी नहीं होगा बाकी सेंटर ऑफ अपन तो कैलकुलेशन से निकालते हैं ठीक है बाकी सेंटर ऑफ मास हम गणना करके निकालते हैं ओके तो कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक सबसे पहले बल युग्म फोर्स ऑफ कपल खाली कपल नहीं है फोर्स ऑफ कपल है बल युग्म ठीक है फोर्स लिखना भूल गए हम यहां पर फोर्स ऑफ कपल बल युग्म तो भाई क्या होता है बल युग्म ऑफ कपल नाम से स्पष्ट है कपल का मतलब ही होता है पेयर जोड़ा है ना कपल का मतलब ही क्या होता है जोड़ा होता है तो फोर्स ऑफ कपल मतलब आप समझ गए होंगे कि बल का कपल बल का कपल, जोड़ा तो किस तरह से फोर्स का फोर्स का कपल किस तरह का पेयर तो यहां पर एक चित्र से इसको समझो देखो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का यहीं से आप घूर्णी गति के चीजों को समझना स्टार्ट करोगे मान लो ये कोई राड है आप इमेजिन करो कि ये कोई राड है और इस राड में हम दो बल इस प्रकार से लगाए हुए हैं एक बल हम लगाए हैं इस बिंदु पर इस दिशा में और इस बिंदु पर इस दिशा में दोनों बल का आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हो दिशा जस्ट अपोजिट है लेकिन इनका परिमाण बराबर है शर्तों को याद रखना दिशा अपोजिट होना जरूरी है और दोनों का परिमाण को बराबर होना जरूरी है ये दोनों बात जरूरी है तभी वो कपल कहलाएगा तभी वो युग्म कहलाएगा मान लो ये एफ वन हो जाए और ये एफ टू हो जाए मतलब दोनों बल का मान यदि अलग अलग हो जाए तो बल का परिमाण अलग अलग होने के कंडीशन में हम उसको कपल नहीं कहेंगे युग्म नहीं कहेंगे तो कंडीशन को आप ध्यान से समझो दोनों बल परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होना चाहिए जस्ट अपोजिट मतलब 180 डिग्री होना चाहिए जस्ट अपोजिट मतलब 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए तब इसे हम क्या कहते हैं फोर्स ऑफ कपल कहते हैं फोर्स ऑफ कपल का इंपॉर्टेंस ये है कि इसके बिना हम घूर्णी गति नहीं करा सकते कुछ एग्जाम्पल मैं आपको फोर्स ऑफ कपल के दे रहा हूँ जैसे हम साइकिल चला रहे हैं जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के हैंडल को दोनों हाथ से पकड़ते हैं और जब हमको साइकिल को टर्न करना होता है तो ये वाला हाथ उसको आगे ढकेलता है और इसको पीछे खींचता है या कार चला रहे होते हैं तो स्टेरिंग को ऐसा पकड़ते हैं तो जब हमको घुमाना होता है तो एक हाथ आगे और दूसरा हाथ पीछे की ओर कार्य करता है नल के कैप को जो अपन खोलते हैं नल में ऐसा कैप लगा रहता है ऐसा वाला कैप डंडी वाला तो अंगूठा और उंगली को हम इस तरह से यहाँ पर अटैच करते हैं और अटैच करके उसको इस तरह से अपन घुमाते हैं बाटल के कारक को खोलना होता है तो बाटल के कारक को अंगूठे और उंगली से पकड़ के इस तरह से अपन घुमाते हैं ये जितना भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ये सभी एग्जाम्पल क्या हैं फोर्स ऑफ कपल के एग्जाम्पल हैं बल युग्म का एग्जाम्पल है तो दैट मीन्स जहाँ पर हम बल युग्म लगाते हैं तो बल युवा लगाने पर क्या होता है वह ऑब्जेक्ट अपने अक्ष पर क्या करने लगता लगता है लगता है घूमने दैट इस तरह से बॉडी अपने एक्सिस पर घूमने लगता है ये अपने अक्ष पर इस तरह से गोल गोल घूमने लगेगा और तब हम इसे फोर्स ऑफ कपल कहते हैं ओके तो फोर्स ऑफ कपल का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि किसी पिंड पर जब दो समान परिमाण के बल एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तब उन बलों को बल युग्म कहा जाता है फोर्स ऑफ कपल कहा जाता है ओके अब यहाँ पर आप देखो कि जब बल युग्म लगाते हैं तो पिंड में घूर्णी गति होती है पिंड में घूर्णी गति होती है ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बताया उससे आप समझ गए होंगे अब यहाँ पर हमको इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है कि गणितीय रूप से हम इसको किस तरह से समझते हैं तो गणितीय रूप में जब इसको पढ़ा जाता है तो उसको बोला जाता है बल आघूर्ण घूर्ण टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स तो अब हम पढ़े बल आघुण्ड क्या है यह इसका मैथमेटिकल रूप है फोर्स ऑफ कपल तो एक कॉन्सेप्ट है अब यहाँ पर हम देखें बल आघुण्ड बल आघुण्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा मत समझना कि आप इलेवंथ क्लास में इसको पढ़ रहे हो इलेवंथ क्लास से ज़्यादा तो ट्वेल्थ क्लास में यूज़ होता है चुंबक के चैप्टर में विद्युत के चंबर चैप्टर में तो ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जहाँ पर सीधी सी बात है कि जहाँ पर भी घूर्णी गति का बात होगा जहाँ पर भी पिंड को घुमाने की हम बात करेंगे उन सभी जगहों में बल आघूर्ण लगेगा ही लगेगा हम बिना बल आघूर्ण के घूर्णी गति की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ पर भी पिंड रोटेट हो रहा है घूम रहा है वहाँ पर बल आघूर्ण लगा हुआ है तो यहाँ पर हम बल आघूर्ण का डिस्कसन करें तो बल आघूर्ण को समझने के लिए सबसे पहले हम देखो जहां बल युग्म होगा वहीं पर आघूर्ण होगा जहां पर बल युग्म होगा वहीं पर बलाघुण होगा तो देखो यहाँ पर हमने एक राड ले लिया अब उसी सिचुएशन को हम यहाँ पर आपको पुनः शो करते हैं एक पिन हम यहाँ बल यहाँ पर लगा दिए दूसरा बल हम ठीक इसके विपरीत दिशा में लगा दिए इस तरह से और मान लो इन बलों का परिमाण इस बल का परिमाण एफ है मतलब बल युग में लगा हुआ है और इसका परिमाण भी क्या है एप है अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों की जो बीच की दूरी है इन दोनों के जो बीच की दूरी है मतलब इस बल और इस बल ये दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है उस दूरी को हमने क्या ले लिया सपोज आर ले लिया ये आर ले लिया इस प्रकार से यहाँ पर देखो कि किसी पिंड पर किसी पिंड पर बल युग में लगा हुआ है मतलब दो बराबर परिमाण के बल एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में कार्यरत हैं और उनकी दिशा विपरीत है परिमाण बराबर है और उनके बीच की दूरी आर है तो यहां पर बल आघूर्ण एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है एक गणितीय अवधारणा है और वो गणितीय अवधारणा क्या कहता है कि पिंड पर जो बल आघूर्ण होगा इसलिए पिंड पर जो बल आघूर्ण होता है जिसको हम टार कहते हैं उसको हम प्रदर्शित करते हैं ये ग्रीक अल्फाबेट के टास करते हैं उसको टा भी कह देते हैं टाउ भी कह देते हैं ठीक है थीके? ये ग्रीक अल्फाबेट का ये टा है इस तरह से तो इसको हम टा से या टाउस इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ये और इसका मान होता है ये दोनों में से कोई एक बल दोनों में से कोई एक बल तो दोनों में से कोई एक बल मतलब दोनों तो बराबर है ये हो गया एफ और इन इनके बीच की लंबवत दूरी और इनके बीच की लंबवत दूरी को हमने क्या लिया हुआ है आर लिया हुआ है इस तरह से तो बल आघूर्ण का सीधा सीधा परिभाषा क्या होता है कि किसी पिंड पर लगने वाले बल युग्म में से कोई एक बल किसी पिंड पर लगने वाले बल युग्म में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं ये सामान्य रूप से इसका परिभाषा है ओके लेकिन अब यहाँ पर इसको हम आगे डिटेल में साल्व करें हाँ यहाँ पर ध्यान रखना कि आर क्या है लंबवत दूरी है एक बार इसको मैं शब्दों में लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बल गुणित बलों के क्योंकि यहां पर बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि खाली दूरी कह देते हैं खाली दूरी नहीं है बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी तो कोई भी एक बल और उनके बीच की लंबा दूरी को हम क्या कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं दैट मीन्स इसको हम अब संकेत में लिखें क्या लिख सकते हैं इक्वल टू एफ इन टू आर ये होता है लेकिन अभी हम इसको कई रूप में समझेंगे यहां पर मान लो ये जो दो बल है अभी यहां पर इस पिंड पर लंबवत लगा हुआ है अब इमेजिन करो कि ये जो बल लगा हुआ है वह अब लंबवत ना लग के कुछ कोण बना के लगा हुआ है जैसा कि मैं यहाँ पर आपको चित्र में दिखाऊंगा अभी कि मान लो अब बल की दिशा बल की दिशा अब मान लो ये है यह बल की दिशा है तो यह बल की दिशा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी बल की दिशा उसका ठीक विपरीत माने ऐसा हो जाएगा क्योंकि दोनों का विपरीत होना जरूरी है यदि यहां पर बल को हमने क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाते हुए बता दिया या उध्वाधर के साथ में थीटा कोण बनाते हुए मान लो अब यह उर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बना के लगा हुआ है तो यह भी क्या होगा इस बल के साथ में मतलब ऊर्ध्धर के साथ में थीटा कोण बना के लगेगा तब होंगे तो मान लो इस तरह की स्थिति है तो अब इनके बीच की दूरी अब मान लो यहां पर बल एफ यह है जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा है यहां पर और दूसरा बल एफ यह है तो अब इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वह अब यह दूरी नहीं है मान लो इस बिंदु का नाम मैंने ए दे दिया इस बिंदु का नाम मैंने बी दे दिया तब इनके बीच की लंबवत दूरी ए भी नहीं हो सकता क्योंकि अब यह तिरछा हो गया अब ए भी उनके बीच की लंबवत दूरी नहीं है बल्कि ए भी उनके बीच की क्या है तिरक दूरी है तिरछी दूरी है तो लंबा दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम इस एफ बल के क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाएंगे यह जो एफ बल है हमारा इस एफ बल के क्रिया रेखा को मतलब एक्शन लाइन को हम पीछे बढ़ाएंगे और यहाँ से इस पर हम एक लम्ब डाल देंगे ये हमने इस पर एक लम्ब डाल दिया क्या किया ध्यान से सुनना इस बल की क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाया और इस पर लम्ब डाला तो अब यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हो कि ये जो दूरी है ए सी यह लंबा दूरी है यह बलों के बीच की लंबा दूरी क्योंकि बल अब ऐसे हैं बल इस तरह से हैं तो तिरछी दूरी हो जाएगा यह लंबा दूरी होगा अब चित्र में आप देखो यह जब थीटा कोण है तो यह वाला कोण भी थीटा होगा क्योंकि यह सम्मुख कोण एक मिनट थीटा का मान को हम दो कंडीशन में मान सकते हैं दोनों सही है गलत जैसा कुछ नहीं है लेकिन मैं क्षैतिज के साथ में थीटा मान लेता हूं इसको तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसे कंफ्यूज मत होना फार्मूला वही आएगा लेकिन मैं इसको छैतीस के साथ में मान लेता हूं नहीं तो यहां नाइन्टी माइनस थीटा करके सॉल्व करना पड़ेगा और फिर काश नाइन्टी माइनस थीटा आएगा और काश नाइन्टी माइनस थीटा को फिर साइंस थीटा लिखूंगा काम लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं ठीक है तो ये ये रेखा को मैं आगे बढ़ा दिया ये और यहां पर भी इसको आगे बढ़ाया हुआ हूं तो अब थीटा मैं इसको मान रहा हूं यह छैतीस के साथ बनाया गया कोण इसको मैं थीटा मान रहा हूं ठीक है कई बार नामों को लिखने में कंजस्टेड हो जाता है उसको मैं करेक्ट कर देता हूं। मुझे स्वयं पसंद नहीं आता हो कि बाद में कोई स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो बी को मैं यहां लिख देता हूं तो यह मैंने थीटा लिया तो यह सम्मुख कोण है यह थीटा होगा इस तरह से यह देखो ये रेखा और यह रेखा काट रही है एक दूसरे को

अगेन सेकंड कंडीशन के लिए पुनः अगेन मतलब पुनः बल अघूर्ण टा बराबर हो जाएगा एफ इन टू अब इनके बीच की लंबा दूरी क्या है ए सी इनके बीच की लंबा दूरी है ए सी इस तरह से एफ इन टू ए सी होगा अब यहाँ पर ध्यान देना ये जो ए सी दूरी है इस दूरी का मान हमको निकालना पड़ेगा ये तो ए सी क्या है केवल संकेत में है ए का मान निकालना पड़ेगा तो ए का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर साइड में एक कैलकुलेशन करते हैं ठीक है ए का मान निकालने के लिए हम साइड में कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज क्या है ए बी सी और इस समकोण त्रिभुज में आप निकालो साइन थीटा तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब मतलब ए सी और बटे कर्ण क्या होगा ए बी तो साइन थीटा बराबर होगा लंब ए सी बटे कर्ण ए बी हो जाएगा और इस तरह से यदि हम यहाँ से ए सी का मान निकालें तो ए सी बराबर ए सी बराबर ए बी साइन थीटा होगा ए सी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा ए बी को हमने इधर पक्षांतर कर दिया ट्रांसफर कर दिया अब चित्र में देखो चित्र में क्या कहता है कि ए बी का जो वैल्यू है देखो चित्र में ए से बी तक का जो वैल्यू है जिसको हमने क्या माना है आर तो ए बी को हम लिख सकते हैं आर इस प्रकार से हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा तो ए सी इक्वल टू आर साइन थीटा होगा और इस ए सी के वैल्यू को हम यहाँ पर अप कर देंगे ए सी के मान को हम वहाँ पर ए सी के जगह में रख देंगे ए तो सी के जगह में रखने पर हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा देखो दे आर फॉर थीटा इक्वल टू एफ इन ये हो जाएगा आर साइन थीटा एफ इन टू आर साइन थीटा ये हो जाएगा और इस प्रकार से इसको हम सदिश रूप में लिखें तो देयर आपको मालूम है ये हमने कई बार आपको वेक्टर में पढ़ाया हुआ है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा माने दो सदिशों का जो सदिश गुणा होता है वह ए बी थीटा होता है ये कई बार आपको पढ़ाया गया है ठीक है थोड़ा इधर लिख दूं क्या नहीं दिख रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा ये होता है तो यहां पर देखो ए फार साइन थीटा है तो ए फार साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सदिश रूप में लिखें तो टा बराबर क्या हो जाएगा आर क्रास आर क्रास तरह से इक्वल टू आर क्रॉस क्रॉस एफ जो होता है वह क्या है इसका सदिश रूप है ये इसका सदिश रूप है और ये साइन थीटा के रूप में फार्मूला है ये दोनों सूत्र आप याद रखोगे सदिश रूप में हम किस प्रकार से बल अगुण निकाल सकते हैं अभी इसमें हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे पहले यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद हम इस फार्मूला पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे ओके अब यहां पर देखो हम इसके कुछ स्पेशल कंडीशन पर बात करें स्पेशल केस तो वो स्पेशल केस क्या होगा स्पेशल केस में सबसे पहले हम देखें कि यदि थीटा का मान यदि थीटा का मान क्या हो जाए जीरो डिग्री हो जाए यदि थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाए आप चित्र में यहां पर देखो जो थीटा हमने कंसीडर किया है ये जो थीटा आप चित्र में देख रहे हो यदि जीरो हो जाए तो बल का जो ये दिशा है वो ये हो जाएगा बल का दिशा ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू जीरो होने पर बल की यह जो दिशा है वाइट कलर से जो आप लाइन देख रहे हो वह दिशा क्या हो जाएगा छैतीस हो जाएगा क्योंकि थीटा को जीरो कर दिए और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बल का दिशा ऐसा हो जाएगा थीटा जीरो करने पर तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है टाई इक्वल टू ए फर साइन थीटा इसमें हम पुट करें तो यदि थीटा हो तो उस कंडीशन में टा या टाओ का जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा एफ आर साइन थीटा तो इसको हम साइन ज़ीरो कह सकते हैं और साइन जीरो क्या होता है जीरो तो दैट इंप्लाइज उस कंडीशन में टा का वैल्यू जीरो हो जाएगा और यह इसका मिनिमम वैल्यू होता है यह टार का मिनिमम वैल्यू होता है तो यह महत्वपूर्ण बात है कि इसको आप याद रखोगे कि थीटा जब जीरो डिग्री हो थीटा जब जीरो डिग्री हो तो बल आघूर्ण क्या होता है शून्य होता है आप इमेजिन करो कि मान लो आपने साइकिल का हैंडल को इस, इस तरह से रखा हुआ है और साइकिल के हैंडल को आप सीधा ऐसा खींचो मतलब दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में सीधा ऐसा खींचो तो मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा हम उसको तिरछा जब बल लगाते हैं तो मुड़ता है यदि हम उसको सीधा पकड़ के इस तरह से खींचे मेरे हाथ को देखो आप कि इस तरह से खींचे तो क्या होगा वह मुड़ेगा नहीं क्यों क्योंकि टार्क जीरो हो जाता है कहने का मतलब यह है कि जब थीटा का वैल्यू जीरो तो कंडीशन तो है वो दूसरा कंडीशन क्या है, दीशन में दीशन में दीशन में दीशन है कि यदि थीटा का वैल्यू यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो यदि थीटा का मान नब्बे अंश हो तो थीटा का मान नब्बे अंश होने पर उस कंडीशन में टा का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो टा इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर इंटू साइन नाइन्टी डिग्री और चित्र में आप देखो कि 90 डिग्री का केस क्या होगा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये 90 डिग्री का कंडीशन है ये थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी और इसकी दिशा यहाँ से ऐसी हो जाएगी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था मतलब दोनों को यदि नब्बे अंश के कोण पर लगाया जाए ठीक है दोनों को यदि हम नब्बे अंश के कोण पर लगाते हैं तो नब्बे अंश के कोण में लगाने पर यहाँ पर टा का वैल्यू एफ आर हो जाएगा क्योंकि साइन 91 होता है तो यहाँ पर दे आर फॉर इक्वल टू हो जाएगा एफ इन टू आर और इस समय इसका वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है तो टार्क का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होता है ये बात आप ध्यान में रखोगे ये इसका अधिकतम मान है तो ये इसका अधिकतम और न्यूनतम मान का कंडीशन है इसको आपको याद रखना है इसके बाद हम इसके डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि वास्तव में बल आघूर्ण जब हम किसी पिंड पर लगाते हैं तो हमारे डेली लाइफ में किस तरह से एप्लीकेबल होता है कैसे हम उसको अपने दैनिक जीवन में बल अगुणों को यूज करते हैं ये हमको समझना है ओके चलिए यहां तक को आप एक बार कोई प्रॉब्लम है तो बताइए अब हम देखते हैं इसके अपने रेगुलर लाइफ में डेली लाइफ में एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आप देख रहे हो कि टा का जो वैल्यू होता है एक्चुअल में कार्य की तरह है तो टा बराबर हमने देखा है एफ इंटू आर सामान्य रूप से एफ इंटू आर जो ये फार्मूला है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो देखो यदि हम बल के मान को नियत कर दें यदि हम यहाँ पर बल के मान को नियत कर दें कि मान लो हमारे पास एफ नियत हो तो उस कंडीशन में सीधी सी बात है कि टार जो होता है वह दूरी के समानुपाती होगा दूरी के समानुपाती होगा मतलब जितना बलों के बीच का जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ही हमको ज़्यादा टार्क मिलेगा तो इस बात को ध्यान रखना कि मान लो अपने पास बल नियत हो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरे को कोई ऐसा कार्य करना है तो मेरा मेरा बल तो नियत है मान लो जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और ये आप सब जानते हैं इसलिए भी मैं इस एग्जाम्पल को बता रहा हूँ मान लो ये एक व्हील है एक चक्का है ये पहिया है किसी व्हीकल का ये किसी व्हीकल का एक पहिया है और यह पंचर हो गया यह पंचर हो गया तो इसमें जो नट लगे होते हैं इसमें जो बोल्ट नट और बोल्ट लगे रहते हैं इस तरह से ये इनको हमको खोलना होता है जब कार का ट्रक का किसी भी व्हीकल का पहिया पंचर हो जाता है तो हमको चक्के को बाहर निकालना होता है तो चक्के को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसमें पाना लगाते हैं और इसको हम दूर से उस पर बल लगाते हैं जैसे मान लो हमने इस पर ये एक पाना लगाया और इस पाने को लगा के हम इसमें बल लगाने लगे अब इसको हम खोलना शुरू करते हैं खासकर आपने ट्रक में देखा होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और उसको खोलने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है बहुत बल की ज़रूरत होता है तो जब यहाँ पर हम इसको इस तरह से खोलते हैं तो नहीं खुलता वो कुछ नहीं होता कि इतना भी ताकत अब हमारा बल तो निश्चित है ऐसा तो नहीं कि हम अपने बल को बढ़ा देंगे हम मशीन को है नहीं कि बीच घुमाएंगे और हमारे पास 10 न्यूटन का बल हो 50 न्यूटन हो जाएगा क्योंकि जो ह्यूमन एफर्ट है ह्यूमन फोर्स है वो तो कांस्टेंट है उसको अचानक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखो उस समय हम क्या करते हैं आपने देखा होगा यहाँ पर हम एक लंबा पाइप लगा देते हैं इसमें अब क्या करते हैं इसमें एक लंबा पाइप लगा देते हैं ऐसे आपने ट्रक में ट्रक ड्राइवर लोग को ऐसा खोलते हुए देखा होगा और लंबा पाइप लगाने के बाद अब जब हम यहाँ पर बल लगाते हैं तो ये आसानी से खुल जाता है ये आपने देखा होगा और यहाँ पर बल लगाने से वो नहीं खुल रहा था लेकिन हमने जब दूर में एक और राड लगा दिया और वहाँ पर राड लगा के जब हम उसमें बल लगाए तो ये नट खुल गया क्यों क्योंकि ये इसका रोटेशनल एक्सिस है यहाँ पर नट को घूमना है और हमने दूरी को क्या कर दिया बढ़ा दिया हमने दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया तो दोनों के बीच का दूरी क्या था पहले ये था पहले दूरी ये था इस दूरी को हमने इतना कर दिया तो देखो जब हम आर के मान को बढ़ा दिए तो आर के मान को बढ़ा दिए तो बल आघूर्ण भी बढ़ गया और जिसके कारण हम उसको आसानी से खोल पाते हैं इस प्रकार से बहुत आसानी से हम उसको ओपन कर लेते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैं आपको ओरल बताते जा रहा हूँ बाकी आप इसे समझ गए हो गये कि जितना अधिक दूरी पर हम बल लगाएंगे बल आघूर्ण उतना ही ज्यादा होता है जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं किसका डोर का ठीक है डोर का दरवाजे का एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं चलिए डोर का एग्जाम्पल हम डोर के हिसाब से ही बता दें आपको सपोज इस तरह से ये जो डोर होता है ऐसा देख लो आप इमेजिन कर लो इस तरह से ये डोर है ये एक वाल है एक साइड से डोर है एक को वाल सपोज लो आप कर लो एक को डोर सपोज कर लो और हमको क्या करना है इसको रोटेट करना है इसको हमको घुमाना है इस एक्सिस के सापेक्ष हमको घुमाना है तो मान लो ये वाले डोर का हमको ओपन करना है तो आपको मालूम है कि इसमें जो कारपेंटर होता है वह कारपेंटर क्या करता है हैंडल को ये किनारे में लगाता है ये किनारे में हैंडल लगाता है वो किनारे में हैंडल लगाता है और इसी को पकड़ के हम क्या करते हैं डोर को ओपन करते हैं तो डोर को ओपन करने के लिए जो हैंडल लगाता है वह इसका जो रोटेशनल एक्सिस है उससे अधिक से अधिक दूरी पर लगाता है यदि वह इस हैंडल को यहाँ लगा दे तो हम डोर को ओपन नहीं कर पाएंगे ठीक है घर में आपके घर में जो दरवाज़ा लगा हुआ है उस दरवाजे में जो हैंडल लगा है वह जो साइड में जिसको कब्जा बोलते हैं अपन ठीक है जहाँ पर ये लगा रहता है वहाँ से दूर होता है उसको पकड़ के हम इस तरह से दरवाज़ा को ओपन करते हैं आसानी से होता है यदि हम उस हैंडल को कारपेंटर हमारा बढ़ाई जो है उसको नज़दीक में लगा दे पास में लगा दे तो हम उसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि आर के साथ संबंध है आर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से हम क्या करेंगे उसमें वर्क कर पाएंगे क्लियर कुछ और एग्जाम्पल्स दूँ मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ वो है ये सपोज यहां पर मैं एक हैंड पंप बना रहा हूं आप थोड़ा इमेजिन कर लेना कि ये एक हैंड पंप है इस तरह से और हैंड पंप में जो हैंडल लगा होता है हैंड पंप में जो हैंडल लगा होता है देखो सपोज ये इसका हैंडल है क्लियर ये पंप है ये इसका हैंडल है अब हैंड पंप में जो हैंडल लगा होता है इसको हम जब पंप करेंगे इसको जब हम पंप करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा ऐसा हमारा हैंड पंप है मान लो तो आपने क्या देखा होगा यहां पर हमको वर्क करना है पंप को हमको यहां पर वर्क कराना है तो हम क्या करते हैं इसका जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ से पकड़ के इस पर फोर्स लगाते हैं बल यहाँ लगाते हैं आप कभी हैंड पंप में जाना और किनारे पर उसके पंप के हैंडल को पकड़ने के बजाय आप पास में आ जाना और यहाँ पर बल लगाना यहाँ पर आप बल लगाओगे तो यहाँ पर बल लगा के कार्य नहीं कर सकते वहाँ पर उसको उसको पूछ ही नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जब तक आप इस दूरी को मैक्सिमम नहीं रखेंगे तब तक आपको या तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा या आप नहीं कर पाएंगे तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं एक दो एग्जाम्पल नहीं है ठीक है और मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ जैसे मुझे याद आ रहा है कि जैसे आपने गाँव वगैरह में देखा होगा कि लकड़ी का या कोई ऐसा सामान बड़ा सामान है जिसको लुढ़काना है ज़मीन में वो मान लो कहीं ज़मीन में पड़ा हुआ है तो जाके हम उसको हाथ से ढकेलते हैं तो हाथ से ढकेलते हैं तो हिलता डुलता भी नहीं है लेकिन जाकर उसमें यदि हम कोई बड़ा सा लकड़ी का डंडा लगा दें और लकड़ी के डंडे को लगाने के बाद जब हम उसमें ताकत लगाएं तो बहुत आसानी से लुढ़का लेते हैं इसीलिए लोग लकड़ी के डंडे से या सब्बल वगैरह से ऐसा अंदर डाल के फिर उसको बल लगाते हैं तो लुढ़का लेते हैं जबकि हाथ में ढकेलने से वो लुढ़क नहीं मैंने आप काउंट नहीं कर सकू इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर यदि आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है उसकी फीलिंग्स लानी है उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरियंस एक्सपीरियंस करना है तो क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है उसको बाहर भी देखो उसको क्लासरूम से बाहर भी देखो जब तक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो फिर तो फिजिक्स हिस्ट्री पढ़ने जैसा हो गया क्योंकि हिस्ट्री को आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो पास्ट में हो गया हो गया वो सीन आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते करोगे तो आर्टिफिशियल लेकिन साइंस में फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली हम क्लासरूम से बाहर उसको अनुभव करते हैं और इस चीज़ को जो स्टूडेंट को रिलेट करा पाता है मतलब समझ पाता है कि हाँ मैं आज बल आघू ऐसा पढ़ा और मैंने देखो बाहर इस इस जगह बल आघू का ये एप्लीकेशन देखा तो वहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकली हमारे ब्रेन में बैठती हैं तब चीज़ों को फिर रटना नहीं पड़ता फिर चीज़ें अलग ढंग से समझ में आती हैं और सबसे बड़ी बात उसमें इंटरेस्ट होता है इंजॉय होता है चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो इंटरेस्ट होता है कोई भी ऐसे चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं आता जिसका हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता नहीं होता वो बहुत उबाऊ और बोरिंग लगता है तो कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको बोरिंग और उबाऊ लग रहा है इसका सीधा मतलब है कि आप उसको प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर पा रहे हो अदरवाइज वो इंटरेस्टिंग तो बन ही जाएगा क्लियर तो ये है हमारा बलाघुण और बलाघुण के एप्लीकेशन मुझे बहुत तकलीफ होता है कि जब हम इस तरह से क्लास में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करते रहते हैं तब भी कुछ स्टूडेंट पर्सनल चैटिंग और टाइम पास करने में लगे रहते हैं ये मेरे लिए एक बहुत कठिन प्रश्न है कि क्यों आदमी जानते हुए भी अपना करियर अपना फ्यूचर बर्बाद में करने में लगा रहता है इस प्रश्न का मुझे जवाब नहीं मिलता आज तक उसको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो नुकसान होगा मैं ऐसा करूंगा तो मेरा करियर ख़राब होगा मेरा भविष्य खराब होगा ये सब पता है उसको फिर भी वह क्यों करता है बहुत कठिन प्रश्न है ये बहुत कठिन प्रश्न है मुझे आज तक इस आंसर नहीं मिल पाया पता नहीं कभी मिलेगा भी नहीं लेकिन सच्चाई तो है कि इंसान को पता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ लेकिन करता है वो स्वामी विवेकानंद जी ने एक, एक बात कही है ना कि संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर होता है बिल्कुल सही बात है हम हर अच्छा बुरा जानते रहते हैं इसके लिए किस बार बार किसी को बाहर से बताने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं तो कई लोग को देखता हूँ कि हम सोचो आप YouTube पर आज के डेट में YouTube आपके लिए इतना बड़ा एजुकेशन का फील्ड प्लेटफॉर्म है कि एक गरीब बच्चा एक बड़े कोचिंग क्लास में एडमिशन नहीं ले सकने वाला बच्चा गांव देहात में रहने वाला बच्चा जो बड़े शहर में जाके पढ़ाई नहीं कर पाता सोचो बड़े शहरों में जाके लोग कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हैं किराए का घर लेते हैं सारी व्यवस्था करते हैं संपन्न लोगों को भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको मालूम है हमको खुद इसका बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे टाइम में आपको अपने हथेली पर रखे एक छोटे से फोन से कहीं दूर गाँव में बैठा एक बच्चा नीट में सेलेक्शन ले सकता है आईआईटी में सिलेक्शन ले सकता है यूपीएससी निकाल सकता है निकाल सकता है हंड्रेड परसेंट निकाल सकता है क्योंकि आज यूट्यूब में मेरी तो कोई गिनती नहीं होगी इतने जीनियस और टैलेंटेड टीचर आपको एजुकेशन दे रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है मैं अपने को काउंट नहीं करता छोटो मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ बहुत छोटा सा मेरा क्लास है इतने जीनियस लोग देश के इतने टॉप टीचर्स एजुकेटर्स फ्री में आपके हथेली पर हैं वो भी हमारा एक टाइम होता था जब हम छोटे से डाउट के लिए टीचर के घर जाते थे प्रोफेसर के घर जाते थे किसी फ्रेंड के घर जाते थे वो घर में मिलते नहीं थे दो बार चार बार जाते थे साइकिल चला के जाते थे घर वापस आ जाते थे वो मिलते नहीं थे इस छोटी बात को पूछने के लिए आप एक सेकंड में आप अपने यूट्यूब पर खोलते हो गूगल में खोलते हो आपको सारा ज्ञान आपके हाथ में यदि ऐसे एज में जब संपूर्ण ज्ञान आपके पास एनी टाइम अवेलेबल है और आप कुछ अच्छा नहीं कर सके तो इसको दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है इसको कहा जा सकता है कि हम चाहते ही नहीं थे सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी हम चाहते ही नहीं थे अदरवाइज अपने परिस्थितियों का रोना नहीं रो सकते आप हम पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पर एक एक स्तर का आपको एजुकेशन दे रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो प्लीज़ ऐसा मत किया करो ये सब करने के लिए आपके पास सफिस टाइम है अभी आपकी लाइफ बहुत बड़ी है अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो अभी आप अपना करियर बनाने में टाइम लगाओ अभी दो चार पाँच साल यदि आप अपने करियर बनाने में टाइम लगाओगे तो पूरा लाइफ आपका सेटल होकर इन्जॉयमेंट के लेवल पर पहुंच जाएगा और अभी अभी आप उन चीज़ों को ध्यान दोगे तो आगे लाइफ डार्क में चला जाएगा बड़ा तकलीफ़ होता है हमको तो हम मेहनत करके पढ़ाते रहते हैं लेकिन पढ़ाते पढ़ाते नज़र में तो आई जाते हैं आपके कमेंट्स मुझे समझ में नहीं आता आप इसलिए आते हो क्लास में आप पिछली क्लास में आते हो <laughs> सोचो एक बार सोचो मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरा ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन की तरह हो मुझे ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं बच्चों को भी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि टीचर मेरे सामने खड़े हैं और एक डिसिप्लिन पर एक सिस्टम पर हमको करना चाहिए ऑनलाइन को हम कंप्लीट ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं बाक़ी आप लोग के ऊपर है तो समझ में आ गया आपको समझ में आ गया आपको मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे मेरे क्लास में आते हैं वो हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर करके जाएं आपको पता नहीं कि हम कैसे अपने टाइम मैनेज करके आपके लिए लाइव क्लास में आते हैं आपको पता नहीं ओके चलिए ठीक है तो ये चीज आप बहुत अच्छे से तैयार करो क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बल आघूर्ण इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छा एक बार मैं रिपीट करता हूँ सुनो आप लोगों ने मुझे खुद डिस्टर्ब कर दिया एक टीचर का जो फ्लो रहता है पढ़ाने का इसीलिए मैं फिर कमेंट्स को अवॉइड करते रहता हूँ कि कहीं मुझे ऐसा कोई कमेंट्स ना दिखे जो मुझे प्रभावित करे लेकिन इंसान तो इंसान है ना इंसान तो उन चीज़ों से बच नहीं सकता लेकिन मैं अवॉइड करते रहता हूँ कि कुछ ऐसा कमेंट्स ना दिखे जिससे मुझे लगे कि भाई मेरी ईमानदारी से किए गए मेहनत पर किसी को ध्यान नहीं है तो ध्यान चला जाता है चलो छोड़ो हालांकि सिंसियर बच्चे भी होते हैं ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ निगेटिव है ना सारा चीज़ निगेटिव होता तो हम वर्क नहीं कर पाते हम गिलास आधा खाली ही करके कर नहीं देखते गिलास आधा भरा हुआ है करके सोच के काम करते हैं बल्कि आधा भरा हुआ है और आधा में हवा भी है अपन सोच के मान के चलते हैं डबल पॉजिटिव थिंकिंग है हमारा खाली कुछ भी नहीं है आधा में पानी भर आधा में एयर है तो कर पाते हैं लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है आपको कि अभी आप ईमानदारी से पढ़ो ऐसा ऐसा लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है या टाइम निकलने के बाद फिर हो गया तो बल आखंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप देखो सब समझ में आ गया होगा आपको इसके बाद मैंने आपको इसके कंडीशन बताया स्पेशल केस बताया फिर डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल मैंने आपको बताया तो टार्क का ये फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस पर एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम माने स्कूल एग्जाम में भी आते हैं कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और बाकी तो न्यूमेरिकल के टाइम में मैं आपको कराऊंगा ही तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन पर समझा रहा हूँ एक कण पर जिसका स्थिति सदिश आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे केप प्लस के कैप है देखो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स मैंने पढ़ाया है मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर कई कई आपको वीडियो मिलेंगे जो वेक्टर पर कैलकुलस पर ट्रिग्नोमेट्री पर सब पर हैं और बार बार मैं आपको याद दिलाते रहता हूँ कि वो सब आप देख लो वो सब आप देख लो तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा इस पर बल लगाया गया है फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप इतना बल इस पर लगाया गया है और हमको क्या करना है कि मूल बिंदु के परितः बल की गणना करना है बल आघूर्ण की है मतलब यहाँ बल का मतलब बल अघूर्ण है आघूर्ण लिखना भूल गया वहाँ पर बल आघूड़ने की हमको यहाँ पर गणना करना है चलिए तो कैसे बनेगा क्वेश्चन देखो यहां पर हम इसका सलूशन लें। तो यहां पर गिवन क्या है हमको दिया क्या है सबसे पहले हम लिख लें कि हमको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है क्या दिया हुआ है तो आर का मान दिया हुआ है देखो आर इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप ये दिया हुआ है और फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है एफ का एफ फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैफ ये दोनों चीज हमको दिया हुआ है और इसके इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है टार्क तो टार्क कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा चूंकि हमको फार्मूला पता है कि टार्क एफ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ मतलब हमको क्या करना पड़ेगा आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा और आपको मैं सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट गणितीय अवधारणा में कि क्रॉस प्रोडक्ट हम सारणिक के रूप में करते हैं इस तरह से हम एक सारणिक बना लेते हैं दो समांतर रेखा और पहले रो में लिखते हैं हम इसके स्थिति सदी को माने आई कैप जे कैप और के कैप ये लिखेंगे उसके बाद दूसरा जो रो होगा इसमें इसके गुणांक को लिखेंगे इसका गुणांक एक है यहां पर माइनस वन है और यहाँ पर वन है तो ये हो जाएगा वन माइनस वन और वन ये हो गया और यहाँ पर इसका गुणांक फाइव है थ्री है, है और माइनस फाइव है तो फाइव थ्री माइनस फाइव इस प्रकार से लिख लेंगे इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करने का फार्मूला क्या है क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है ये हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए करेंगे आई कैप के लिए तो आई कैप के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो आई कैप क्या हो जाएगा इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो फाइव का वन के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस वन का माइनस फाइव के साथ में फाइव हो गया फिर बीच माइनस होगा वन का थ्री के साथ मल्टीप्लाई होके ये थ्री हो गया इसके बाद हम जे को माइनस लेते हैं तो माइनस जे कैप होगा अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो वन का माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस फाइव हो जाएगा और वन का फाइव के साथ मल्टीप्लाई होके ये अभी माइनस फाइव हो जाएगा बीच माइनस क्रॉस प्रोडक्ट यदि आपसे नहीं बनता है तो आज ही सिंगल डे खराब किए बिना सिंगल डे वेस्ट किए बिना आज ही गणितीय अवधारणा को पढ़ लो हमारे प्ले लिस्ट से ठीक है ये हो गया जे कैप और इसके बाद प्लस के कैप तो के कैप देखना है तो के के लिए अपन करें तो के, के रो कालम को छोड़ो तो थ्री जा थ्री, तो थ्री, थ्री तो कितना हो जाएगा ये थ्री और इसके साथ माइनस फाइव तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस फाइव हो जाएगा अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो फाइव माइनस थ्री ये हो जाएगा टू आई कैप माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टेन होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो टेन जे कैप और वहाँ पर प्लस फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा एट एट के कैप ये इसका आंसर होगा इस प्रकार से देखो टू आई कैप प्लस टेन जे कैप प्लस एट के कैप ये हो जाएगा इसका बल आघूर्ण का वैल्यू और न्यूटन क्या होता होगा सॉरी मात्रा क्या होता होगा बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता होगा न्यूटन इंटू मीटर क्योंकि बल का मात्रक है न्यूटन और दूरी का मात्रक है मीटर तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है इसका मात्रक होता है शुरुआत में ही अपन टॉपिक की स्टार्टिंग में लिख दें न्यूटन मीटर यहां पर न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है जनरली मात्रक आप लोग को पता रहता है न्यूटन मीटर इसका मात्रक है ओके तो यह हो गया इस पर एक न्यूमेरिकल की बल आघुण कैसे निकालते हैं देखो एक चीज ध्यान रखना आघूर्ण कोणीय संवेग मतलब ये जो चैप्टर है घूर्णी गति का इसमें छोटे 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 बहुत से कॉन्सेप्ट हैं और वो सब आपको सबसे पहले समझना है और जितने भी फार्मूले डिराइव होंगे बाद में मैं एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए बनाया हूँ सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन कुछ महत्वपूर्ण संबंध करके वहाँ पर मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको सभी फार्मूले को डिराइव करके बताऊँगा और एक ही जगह सब होगा क्योंकि मैक्सिमम फार्मूला वाला चैप्टर है ये मैक्सिमम फार्मूला नेचुरली जब फार्मूला बहुत होगा तो न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला एक एक करके आपको देखना है चलिए तो सबसे पहले हम देखें कोणि संवेग कोणी संवेग होता क्या है रेखी संवेग आपने पढ़ा है आपको पता है कि रेखी संवेग जो होता है यहां पर मैं साइड में लिख दू रेखी संवेग और रेखी संवय को हम प्रदर्शित करते हैं पी से और पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है ये आपको पता है लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है कोणीय संवेद देखो ये जो चैप्टर है जितना भी लीनियर मोशन में जो हम फार्मूला पढ़े थे मतलब रेखी गति में जितना भी फार्मूला हम पढ़े थे वो सभी फार्मूला को अगेन हमको इसमें पढ़ना है कोणीय रूप में मतलब कोण के रूप में पढ़ना है रोटेशन के फॉर्म में पढ़ना है ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक सीधा सीधा स्थानांतरित हो रहा है तो क्या है वो स्थानांतरी गति है रेखी गति है लेकिन यदि कोई पार्टिकल अपने जगह में मूव हो रहा है अपने एक्सिस पर मूव हो रहा है गोल गोल घूम रहा है तो घूर्णी गति हो जाता है तो दोनों में जो एक तुलनात्मक चार्ट भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि रेखी गति में जैसे गति के समीकरण है वो घूर्णी गति में क्या हो जाता है ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो जैसे संवेक अपन रेखी संवेग पढ़े हैं तो रेखी संवय के बाद यदि हम कोणीय संवेग पढ़ें तो वो क्या होता है तो सबसे पहले हम देखें इसका फार्मूला कोणी संवेग का तो कोणी संवेग का फार्मूला होता है यहाँ पर इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं और एल इक्वल टू होता है पी इन आर यहाँ पर मैं एक बार शब्दों में लिख देता हूँ कोड़ी संवेग बराबर ड़ी संवेग बराबर रेखी संवेग कोड़ी संवेग बराबर रेखी संवेग गुणित लंबवत दूरी जैसे मैं आपको बलाघुण में बताया लंबवत दूरी वैसे यहां पर लंबवत दूरी तो जब रेखी संवेग में जब हम रेखी संवेग में लंबवत दूरी का गुणा करते हैं रेखी संवेग में लंबवत दूरी का जब हम गुणा करते हैं तो वह क्या बन जाता है कोणी संवेग बन जाता है संकेत के रूप में लिखें तो इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं इसको पी से और ये आर तो ए इक्वल टू पी इन आर होता है अभी इसके सदिश रूप में भी देखेंगे यहाँ तो केवल सांकेतिक रूप से हमने बताया है तो कौड़ी संवेग एल इक्वल टू पी इन आर के बराबर होता है अब इसको हम देखें सदिश रूप में हम इसको देखें तो किस प्रकार का इसमें सिचुएशन होता है ये देखो ये हम थ्री एक्सिस बना लेते हैं ये सपोज एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है और ये सपोज ये एक तीसरा एक्सिस है अब यहाँ पर कोई पार्टिकल है यहाँ पर सपोज़ इस पोजीशन पर कोई पार्टिकल है पी एक कण पी यहाँ पर है और इस कण का यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से ये सपोज ओरिजिन ओ है और यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज़ ये है ये सपोज़ R है ये स्थित सदिश मान लो यहाँ पर क्या है R है इस तरह से अब यहाँ पर इस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है इस पार्टिकल का यहाँ पर मोशन का जो डायरेक्शन है वो इस लाइन पर यदि हम शो करें तो सपोज उसका डायरेक्शन इस तरह से है ये सपोज इसका डायरेक्शन है इस दिशा में वह थ्री डायमेंशन पर मोशन कर रहा है ऐसा तो अब यहां से जब हम देखें तो इसके क्रिया रेखा ये इसका क्रिया रेखा है एक्शन लाइन है वहाँ से इसका जो लंबो दूरी होगा ये हमको निकालना पड़ेगा तो सपोज यहाँ से ही ये इसके साथ में थीटा कोण बना के ये वर्क कर रहे हैं या थीटा कोण बना के वो गतिशील है तो हम क्या करें इस बिंदु से इस पर लंबा दूरी डालें क्योंकि फार्मूला में हमारा बताया गया है कि रेखी संवय के साथ हम उसके लंबो दूरी का गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखो ये लंबो दूरी नहीं है ओ पी लंबो दूरी नहीं है तो लंब दूरी जानने के लिए हम क्या करते हैं यहां से इस पर हम एक लंब डालते हैं ये हमने इस पर एक लंब डाला ये 90 डिग्री है यहां पर आप जो देख रहे हो यह नब्बे अंश है और ये नाम है सपोज इसका ओ एन ये नॉर्मल अपन डालते हैं तो एन से जनरली हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो ओ एन क्या है यहां पर इसका नॉर्मल है यहां पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया एक्स एक एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस तो यहां पर जब हम यहां कोणी संवेग निकालेंगे तो कोणी संवेग का मान क्या हो जाएगा देखो अब यदि हम यहां पर कोणी संवेग निकालें एल तो दे आर फॉर एल बराबर दे आर फॉर एल इक्वल टू पी इंटू दूरी अब क्या है यहां पर ओ एन है लंबवत दूरी ओ एन ये हो जाएगा अब इस चित्र में आप देखो चूंकि थीटा है सम्मुख कोण है ये भी थीटा होगा यह कोण भी क्या होगा यहाँ पर एरो लगा के लिख देता हूँ ये भी थीटा होगा जब ये थीटा है तो ओ एन तो लम्ब है और कर्ण क्या हो जाएगा ओ पी हो जाएगा तो ओ एन अपान ओ पी यहाँ से यदि हम निकालना चाहें क्या साइन थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ एन अपान ओ पी इस प्रकार से साइन थीटा जो है वह ओ एन अपान ओ पी के बराबर होगा अब जब साइन थीटा ओ एन अपान ओ पी के बराबर होगा देयर तो फॉर यहां से हम क्या करें ओ का वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ पी इंटू साइन थीटा होगा ओपी इंटू साइन थीटा होगा और यहां पर देखो ओ पी का वैल्यू क्या है आर तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं आर साइन थीटा ये लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा तो इसके पहले भी हमने इस तरह से वैल्यू निकाला था जब हम बल आघू निकाले थे तो यहां पर जो ओ पी का वैल्यू ओ एन का वैल्यू हम निकाल रहे हैं ओपी ओ एन का वैल्यू निकाल रहे हैं आर साइन थीटा इस ओ एन के वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं यहां पर हम उसके वैल्यू को पुटअप कर दें तो जब एल इक्वल टू पी इंटू ओ एन का मान को भरेंगे जो कि क्या है आर साइन थीटा है तब हमको क्या मिलेगा उसको हम देखते हैं ठीक है तो उसका वैल्यू को पुटअप किया जाए और पुटअप करके इसके वैल्यू को हम यहां पर पुटअप करते हैं दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आर साइन थीटा पी इंटू आर साइन थीटाइए एल इक्वल टू पी इन टू आर साइंथीटर और दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आर क्रॉस पी इसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस पी ये पहले आपको बताया जा चुका है कि यह क्रास प्रोडक्ट होता है और इस तरह से ये इसका सदिश रूप हो जाएगा तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है ये वाला फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है ये सब फार्मूले आपको एल निकालने के काम आएंगे क्लियर तो ये कहलाता है कोणीय संवेग ओके ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हो गया नेक्स्ट टॉपिक आघूर्णों का सिद्धांत आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है इस बेस पर न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यह अघूर्णों का सिद्धांत होता क्या है जैसे देखो मान लो हमारे पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है अघूर्णों का सिद्धांत कहता क्या है देखो सपोज अपने पास ये एक राड है यहाँ पर एक चित्र से आप इसको अच्छा समझ पाओगे ये सपोज हमारे पास एक राड है और इस राड को क्या किया है हमने किसी बेस पर इस तरह से यह सपोज एक पॉइंट है इस पॉइंट पर हमने बैलेंस किया हुआ है और यहां से लेकर यहाँ से इस पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को सपोज़ हमने डी वन ले लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक के हमने डिस्टेंस को सपोज डी टू ले लिया अब इसमें हम नीचे की तरफ फोर्स लगाए हुए हैं इसमें नीचे की ओर लगने वाला फोर्स यहाँ पर या कोई वेट लटकाया हुआ है या किसी भी प्रकार का फोर्स इसमें लगाया गया है इस तरह से और ये जो फोर्स का वैल्यू है ये सपोज़ एफ वन फोर्स है और ये सपोज़ एफ टू फोर्स है इस तरह से किसी राट को किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर बैलेंस करके उसमें दो फोर्स इस तरह से लगाए गए हैं अब यदि इसमें दो फोर्स लगाने के बाद ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है मतलब संतुलन की स्थिति में है सपोज ये संतुलन की स्थिति में है तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा जब दोनों फोर्स एक साथ यहाँ पर वर्क करेंगे तो इनका जो रिएक्शन फोर्स होगा मतलब इनका जो प्रतिक्रिया बल होगा वह जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर होगा इस प्रकार से इसका जो प्रतिक्रिया बल है वह ये होगा ये इसका रिएक्शन फोर्स है जिसको हम आर कहते हैं और यह पूरा सिस्टम क्या है संतुलन की स्थिति में है तो इस बेस पर कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं न्यूमेरिकल के लिए वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया रोज रोज आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मूले और कंसेप्ट बहुत ज्यादा है इसमें है ना तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक का जो आघूर्ण होगा मतलब देयर हम लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में इसलिए जब यह पूरा सिस्टम संतुलन में रहे तो एफ वन इंटू डी वन माने उस पर लगने वाला बल उस पर लगने वाला बल जो कि एफ वन है और उसकी दूरी डी वन वो है वो बराबर होता है किसके एफ टू इंटू डी टू के मतलब इस पॉइंट से बैलेंस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी का बल के साथ में गुणा और ये बैलेंस पॉइंट से यहाँ तक का बल के साथ में गुणा ये दोनों आपस में बराबर होता है दैट इम्प्लाइज इसमें हम यदि इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो हो जाएगा एफ वन डी वन माइनस एफ टू डी टू इक्वल टू जीरो इस तरह से एफ वन डी वन माइनस एफ टू डी टू इक्वल टू जीरो होता है यह कहलाता है आघूर्णों का सिद्धांत तो संतुलन की स्थिति में यह जीरो होता है इस बेस पर बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इस बेस पर बहुत से क्वेश्चन बनेंगे ये आपको ध्यान से समझना है ओके जड़त व अब हम एक ऐसे टॉपिक पर एंटर कर रहे हैं जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आगे की पूरी पढ़ाई जड़त्व आघूर्ण पर ही बेस्ड रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया पर ही बेस्ड रहेगा तो हमको पढ़ना है जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्सिया और यही चैप्टर का मेन टॉपिक है पूरे चैप्टर का 80 परसेंट से भी ज़्यादा कंसेप्ट जड़त्व आघूर्ण पर ही बेस्ड है आगे जो कुछ भी पढ़ाई होगा वह जड़तवागुण के कंसेप्ट पर ही बेस्ड होगा ठोक ठीक है चलिए तो देखें जड़वागुण क्या है एक्चुअली जड़ पवागुण एक मैथमेटिकल टर्म है यहाँ पर देखो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है यह सपोज एक ऑब्जेक्ट है कोई भी इरेगुलर साइज एंड सेप का है मतलब अनियमित आकृति का है नियमित भी हो सकता है लेकिन मैंने जानबूझ के अनियमित बना लिया मतलब जड़तवाघुण किसी भी पिंड का निकाल सकते हैं अपन और इस पिंड को क्या कर रहे हैं हम एक किसी दिए हुए अक्ष के परिता इसको हमको घूर्णी गति करा रहे हैं इस प्रकार से हम इसको रोटेट करा रहे हैं मान लो इस अक्ष के सापेक्ष ये रोटेट हो रहा है ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं अब हमको मालूम है कि हर वस्तु बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है लो यहाँ पर एक कण है इसका द्रव्यमान एम वन है लो यहाँ पर एक कण है इसका द्रव्यमान एम टू है लो यहाँ पर एक कण है इसका द्रव्यमान एम थ्री है यहाँ पर एक कण है इसका द्रव्यमान सपोज एम फोर है इस प्रकार से यह पिंड अनंत अनंत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है पहले दिन के चैप्टर में लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कण क्या होता है निकाय क्या होता है पिंड क्या होता है दृढ़ पिंड क्या होता है ये सब हमने देखा था तो यहाँ पर एक दृढ़ पिंड है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इस पार्टिकल का रोटेशनल एक्सिस से सबका डिस्टेंस अलग अलग है मान लो इसका डिस्टेंस ये है यहाँ पर देख रहे हो इसका डिस्टेंस ये है इसका डिस्टेंस यहाँ पर ये है इसका डिस्टेंस ये है तो हर कड़ का इस घूर्णी अक्ष से दूरी अलग अलग है मान लो एम वन का दूरी यहाँ पर आर वन है एम टू का दूरी आर टू है एम थ्री का दूरी क्या है आर थ्री है एम फोर का सपोज आर फोर है ऐसे इसमें अनंत या एन पार्टिकल है तो जड़त व का कंसेप्ट कहता है कि, कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी पार्टिकल का जो जड़वागुण है मान लो हम यहां पर देखें तो कण, कण M1 का जड़त्व आगुण। कर्ण कण M1 का जड़वागुण मतलब M1 पार्टिकल का जो जड़वागुण होगा जिसको हम I1 से प्रदर्शित कर दिए तो I1 वन इक्वल टू होता है M1 R1 स्क्वायर मतलब इसका क्या हुआ तो जड़वागुण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है किसी भी पार्टिकल का किसी भी पार्टिकल का घूर्णी गति करने वाले किसी भी कण का जो जड़वागुण है वह उस कण के द्रव्यमान और घूर्णी अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है उस कण के द्रव्यमान और घूर्णी अक्ष से उस कण की लंबवत दूरी के गुणनफल के के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है ये उस पार्टिकल का जड़वागुण है इसी प्रकार से यदि हम कण इसी प्रकार से यदि हम कण M2 का निकालें तो कण M2 का जड़तवागुण कण M2 का जो जड़तवागुण होगा जिसको मान लो मैंने I2 से प्रदर्शित कर दिया तो I2 टू इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 टू इन टू आर टू स्क्वायर ये हो जाएगा इस तरह से I1 वन इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर आई टू इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर ऐसे क्या है सभी पार्टिकल के जड़वाघुण निकलने जा, निकलते जाएंगे इसलिए संपूर्ण पिंड का जड़वाघुण इसलिए संपूर्ण पिंड का ऐसे हम क्या है बहुत सारे पिंड का निकाल लें तो देयर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसलिए संपूर्ण पिंड यदि हमको संपूर्ण पिंड का आघूर्ण फाइंड करना है तो ये जो छोटे छोटे कण के जो आघूर्ण है मतलब एक पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है हर कण का अपना खुद का एक जड़वागुण है और यदि हम संपूर्ण पिंड का जड़वागुण निकालना चाहें तो इन छोटे छोटे कणों के जड़वाघुणों का योगफल हमको निकालना होता है इस प्रकार से देखो कि संपूर्ण पिंड का जो जड़वाभुण है जिसको मैं प्रदर्शित कर देता हूं आई से तो आई इक्वल टू हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन मान लो एन पार्टिकल मैंने पिंड में मान लिया हो जाएगा एम एन आर एन का स्क्वायर इस तरह से ये हो जाएगा एम एन आर एन का स्क्वायर तो ये है संपूर्ण पिंड का जड़ का इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं अपन देयर फॉर इसको आई इक्वल टू यदि सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो यह सिग्मा का संकेत है और इसको हम लिख सकते हैं एम आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर एम आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ये जो हमने लिखा है वन से लेके कहां तक एन तक उसको हमने आई के फॉर्म में लिख लिया मान लो या एन पार्टिकल लिया है तो एन लिख लेते हैं चलो ठीक है मतलब एक ही है आई से ज्यादा एम एन मिल जाता है चलो एम आई आर आई का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं लेकिन यहां पर हमको बताना पड़ेगा कि जो आई का वैल्यू है वो वन से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा वन तक ये इसका लिमिट कहलाता है यस सिग्मा का लिमिट कहलाता है मतलब सिग्मा की लिमिट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल का हमने अलग अलग पार्टिकल का जो जड़ागुण निकालना है वो क्या होगा वन से स्टार्ट होके यदि हम एन तक सभी को ऐड कर दें तो क्या सिग्मा मतलब सम होता है तो संपूर्ण पिंड का इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन इसको सिग्मा नोटेशन कहा जाता है या इसी को और दूसरे रूप में लिखे हम तो यहां पर क्या हो जाएगा या आई इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम इन टू आर स्क्वेयर इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कैपिटल एम संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है और आर क्या है सभी दूरियों का एवरेज है मतलब कोई पार्टिकल दूर है कोई पास है तो सब पार्टिकल के दूरियों को यदि हम जोड़ के उसके कुल पार्टिकल का भाग दे दें तो निकल जाएगा तो एम आर क्या होता है संपूर्ण पिंड का जड़ होता है इस फार्मूला को याद रखोगे यह है जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू एम आर स्क्वायर इस प्रकार से किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वह उस पिंड के द्रव्यमान मतलब कैपिटल M पूरे पिंड का द्रव्यमान हो गया कहने का मतलब ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं एन पार्टिकल वो सबको जोड़ दिए तो संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान बन गया तो संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान और उसके दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है नेक्स्ट टॉपिक है घूर्णन त्रिज्या देखो घूर्णन त्रिज्या क्या होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ग्राइसन घूर्णन त्रिज्या यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी हमने दूरी के बारे में पढ़ा देखो यहाँ पर मान लो अपने पास एक पिंड है जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि मान लो यह कोई पिंड है और इस पिंड में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यह पिंड बना हुआ है और यह छोटे छोटे पार्टिकल में मान लो इस तरह से यहाँ पर बहुत से पार्टिकल सब की दूरी अलग अलग है जैसे अभी आपको बताया मैं कि मान लो एम वन पार्टिकल ठीक है यहाँ पर एम टू पार्टिकल एम थ्री पार्टिकल ये जैसे अभी हमने जस्ट जो पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल का यहाँ से दूरी किसी का आर वन है किसी का आर टू है किसी का आर थ्री है इस प्रकार से तो यहाँ पर सबकी दूरी अलग अलग है आर वन आर टू आर थ्री और सबका मास अलग अलग है लेकिन हमने शुरुआत में पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मतलब भले ही पूरा पिंड अनंत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है लेकिन पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है वह किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केंद्रित होता है तो मान लो इस संपूर्ण पिंड का जो द्रव्यमान है वह इस पॉइंट पर केंद्रित है हम मान लेते हैं कि पूरे पिंड का द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित है और ये इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है तो इस घूर्णन अक्ष से ये जो घूर्णन अक्षर से ये घूर्णन अक्ष से सेंटर ऑफ मास के बीच का जो दूरी होता है ये घूर्णन अक्षर से सेंटर ऑफ मास के बीच का दूरी होता है इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं और यही कहलाता है क्या घूर्णन त्रिज्या इस प्रकार से क्या कह सकते हैं घूर्णन त्रिज्या का परिभाषा क्या हो जाएगा घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो लंबवत दूरी होती है घूर्णन अक्ष से अक्ष का मतलब जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेशन मोशन कर रहा है उस घूर्णन अक्ष से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता ही है इस दूरी को हम क्या कहते हैं घूर्णन त्रिज्या कहते हैं और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से देखो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फिर अभी हमने पढ़ा है I इक्ल टू एम आर स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू एम के स्क्वायर और देयर फॉर के इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट आई अपॉन एम इस प्रकार से किसी भी पिंड के घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे ओके तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम आगे के चीज़ों को समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को एक चीज़ आप वाच कर रहे होंगे कि जिन चीज़ों को हम रेखी गति में पढ़े हैं जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं स्थानांतरी गति या सरल रेखी गति कहते हैं अब उन्हीं चीज़ों को हम अब उन्हीं चीज़ों को हम घूर्णी गति में पढ़ रहे हैं दैट मीन्स ऐसा तो नहीं कि हम गति ऊर्जा नहीं जानते हम गति ऊर्जा जानते हैं रेखी गति में हमने गति ऊर्जा पढ़ा कि जब पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है अब हमको यहाँ पर पढ़ना है कि यदि कोई पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा हो यदि कोई पार्टिकल अपने अक्ष पर घूम रहा हो तो अपने अक्ष पर घूमने वाले पार्टिकल का पिंड का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या घूर्णन गति ऊर्जा क्या होगा ये हमको पढ़ना है तो देखिए सब फार्मूला उसी से डिराइव होता है तो यहाँ पर हम देखें चूँकि हमको पता है चूँकि जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह होता है वन अपॉइंट टू एम वी यह होता है वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर अब इसी को लेके इसको हमको घूर्णी गति के लिए परिवर्तित करना है तो कैसे होगा इसका सिंपल सा तरीका है चूंकि रेखी वेग है उसको हमको अब कोणीय वेग में बदलना है तो रेखी वेग को कौड़ी वेग में बदलने का कौन सा फार्मूला होता है बताइए आप लोग चलिए ऐसा कौन सा फार्मूला है जो रेखी वेग को कोणी वेग में बदलता है चलिए आपके मैं चैट पर देख रहा हूं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं रेखी वेग तथा कोणी वेग में संबंध क्या संबंध है रेखी वेग और कोणी वेग में क्या संबंध है भाई बताइए कोई भी एनीवन रेखी वेग और कोणी वेग में क्या संबंध है आर ओमेगा स्क्वेर अभिषेक वट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा वी और ओमेगा के बीच में क्या संबंध है कोई नहीं अरे आप प्रीवियस टॉपिक प्रिपेयर कर करके कर आओ चूंकि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा v बराबर r इंटू ओमेगा होता है इस तरह से ये v व्हीक्वल टू आर इंटू ओमेगा को हम यहाँ पर पुटअप कर दें तब हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा अब ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वन पॉइंट टू एम और ये हो जाएगा आर ओमेगा इसका होल स्क्वायर v के जगह में हमने आर ओमेगा पुटअप कर दिया आगे इसको हम यदि हल करें दैट इक्वल ये ये हो जाएगा होगा अब आपको पता है कि M R square, कल हमने पढ़ा है M R square क्या होता है, होता है. तो वन अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं इस प्रकार से ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर तो यहां पर यह जो काइनेटिक एनर्जी है वह वन अपॉइंट टू आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा यह गति ऊर्जा का फॉर्मूला फॉर्मूला है कि घूर्णन गति ऊर्जा का जो मान होता है वह होता है वो आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहां पर वन पॉइंट टू को नहीं लेंगे ना अपन एम आर स्क्वायर होता है वन पॉइंट टू वो आगे आएगा पॉइंट टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये एम आर स्क्वायर होता है आई तो यह हो जाएगा वन पॉइंट टू आई ओमेगा स्क्वायर वन पॉइंट टू एम आर स्क्वायर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है लेकिन अलग बॉडी के लिए होता है आगे हम उसको पढ़ेंगे अभी तो आपको मान लो वन टू नहीं एम आर स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वन अपॉइंट टू आई ओमेगा स्क्वायर क्योंकि एम आर स्क्वायर जो मैंने राउंड में किया है वो आई के बराबर होता है वन अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर भी जड़वागुण होता है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पिंड के लिए होता है जब रिंग पढ़ेंगे डिस्क पढ़ेंगे आगे मैं बताऊंगा लेकिन कॉमन रूप से जो जड़वागुण है वह एम आर स्क्वायर के बराबर होता है तो घूर्णन गति ऊर्जा का वैल्यू होता है वन अपॉइंट टू आई ओमेगा स्क्वायर चलिए आप इसका स्क्रीन शार्ट ले लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं आज बहुत से इस तरह के रिलेशन हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण संबंध यहां पर मैंने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण संबंध कुछ महत्वपूर्ण संबंध के हेडिंग में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं कि इस चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें क्या क्या संबंध होता है जिसमें पहला आप देख रहे हो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध जो कि होता है इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा टा इक्वल टू आई इं टू अल्फा होता है अब इसको करेंगे हम प्रूफ कि ये कैसे होता है ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये कहीं पर भी आपको काम आ सकता है ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में डिराइव करने में स्कूल में टीचर्स इसको आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फा मतलब यहाँ पर क्या है टा क्या है बल आघूर्ण है आपको मालूम है टा बल आघूर्ण है और आघूर्ण क्या है आई तो टा और आई में क्या रिलेशन होता है तो जो बल आघूर्ण होता है वह आघूर्ण इंटू अल्फा के बराबर होता है जहां पर अल्फा क्या है कोणीय वेग है तो किस प्रकार से इसको प्रूफ किया जा सकता है देखो हमको मालूम है कि टा बराबर चूंकि टा या टाव ता, टाउ बराबर होता है एफ इंटू आर एफ इंटू आर मतलब बल गुणित लंबा दूरी ये हमने पढ़ा है आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें उस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा दैट को लिख सकते हैं द्रव्यमान त्वरण और into क्या हो जाएगा? R हो जाएगा जाएगा इस तरह से अब आपको मालूम है हर जगह मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि रेखी गति में जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसको हम कोड़ी मतलब घूर्णी गति में परिवर्तित कर रहे हैं अब आपसे एक मैं क्वेश्चन करता हूं कि ए और अल्फा में क्या संबंध है ए तथा अल्फा ए तथा तो अल्फा में क्या संबंध है ए यहां पर क्या है रेखी त्वरण है और अल्फा क्या है कौणी त्वरण है जैसे मैंने अभी आपको वी और ओमेगा में रिलेशन पूछा उसी तरह से मैं आपको पूछ रहा हूं कि ए और अल्फा में क्या रिलेशन है यह सब आपने वृत्ति गति में पढ़ा है जितने स्टूडेंट न्यू हैं या बीच में क्लास ज्वाइन किए हैं वो सभी को मेरा सजेशन है कि आप बैकअप पीछे से आप बैकअप लेते जाइए बैकलॉग करते जाइए और आप शुरू से हमारा जो वीडियो है वो आप रिवाइज करो तो धीरे धीरे आपको पीछे से देखना ही है क्योंकि सिलेबस हमारा अब यहां तक पहुंच गया है तो प्रीवियस चैप्टर अभी ज्यादा टॉपिक हुआ नहीं है वो सभी टॉपिक आप एक बार रिवाइज करो फटाफट समय निकाल के तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या रिलेशन होता है गीता देवी ए इक्वल टू अल्फा वाह भाई ए अल्फा के इक्वल होता है ए इक्वल टू अल्फा होता है और कोई दोनों में रिलेशन क्या होता है ए इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फ़ा ए इक्वल टू होता है आर इन टू अल्फा जैसे वी इक्वल टू आर ओ होता है उसी तरह से ए इक्वल टू आर इन टू अल्फा होता है अब उस रिलेशन को यहाँ पर रखा जाए तो क्या हो जाएगा देखो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं दैट इम्प्लाइज टा इक्वल टू हो जाएगा एम और ए का जो वैल्यू है जैसे मैं आपको बताया ये जो ए का वैल्यू है वहां से हम रख देते हैं आर इंटू अल्फ़ा तो ए का वैल्यू को यदि हम आर इंटू अल्फ़ा रखें और इंटू क्या हो जाएगा आर इस प्रकार से आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो किस रूप में चलाएगा ये देखो दैट इम्प्लाइज टा इक्वल टू दैट इम्प्लाइज टा या इक्वल टू क्या होगा एम आर स्क्वायर आर दो बार आया है तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा अब एम आर स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं तो टाई इक्वल टू हो जाएगा क्या आई इंटू अल्फ़ा इस तरह से टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा होता है टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा होता है ये प्रूफ हो जाएगा ये बात प्रूफ हो गया ये बात प्रूफ हो गया कि टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा होता है ओके क्लास के नोट्स टेलीग्राम पर नहीं मिलते क्लास के नोट्स आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर वैसे इलेवंथ हिंदी मीडियम का भी डला नहीं है डलेगा वो तो ये पहला रिलेशन है बल आघूर्ण और आघूर्ण में संबंध तो बल आघूर्ण और आघूर्ण में क्या संबंध होता है बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण बराबर होता है टा बराबर आघूर्ण गुणित अल्फा ये रिलेशन आप याद रखोगे ओके मैं सभी महत्वपूर्ण रिलेशन को एक ही जगह में आपको डिराइव करा रहा हूं ताकि आपको सबका कैलकुलेशन एक जगह मिले ओके नेक्स्ट कोड़ी संवेग और जड़त में संबंध कोड़ी संवेग और जड़तवागुण में संबंध ये आप देख रहे हो ये कोणी संवेग कोणी संवेग को हम किसे प्रदर्शित करते, है? करते हैं एल से कोणीय संवेग और जड़त वागुण को हम प्रदर्शित करते हैं आई से जड़त वागुण आई इन दोनों में संबंध यह होता है एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा कहने का मतलब क्या हुआ ये जो कोणीय संवेग होता है वह I इंटू ओमेगा के बराबर होता है तो पिछले क्लास में मैंने आपको कौड़ी संवेग समझाया था तो चूंकि हमको पता है कि कौड़ी संवेग L इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर कोणी संवेग एल इक्वल टू पी इंटू आर होता है आगे हम इसको आगे सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा एल इक्वल टू पी को लिख सकते हैं एम इंटू भी ये इंटू आर क्योंकि रेखी संवेग बराबर होता है वेग द्रव्यमान गुणित वेग रेखी संवेग पी का जब मान होता है वह एम इंटू वी के बराबर होता है मतलब एक एक करके फार्मूला को हम दूसरे फार्म में कन्वर्ट करते जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर आगे साल वो करें तो फिर अपन चेंज करेंगे किसको दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू एम और वी को लिखेंगे हम आर इंटू ओ ओमेगा इंटू आर तो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है अभी हमने यूज़ किया है That implies आगे इसको और सॉल्व कर लें तो L इक्वल टू ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा तो L इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा अब आप एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं I लिख सकते हैं इसलिए जड़त्व आघूर्ण समझाने के बाद ये महत्वपूर्ण संबंध को आपको समझा रहा हूँ क्योंकि सब जगह जड़त्व आघूर्ण नहीं आते जा रहे हैं तो that implies L इक्वल टू क्या हो जाएगा L इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा एल इक्वल ओमेगा और ये प्रूफ हो जाएगा ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा तो देखो ये सब रिलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है ये छोटे छोटे रिलेशन यदि आपके पास एक ही जगह कलेक्ट हों आप उसको प्रॉपर रिवाइज करें प्रॉपर रिविजन करें तो आपके लिए बहुत यूजफुल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इससे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये बुक्स में सब इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं बुक्स में ये कहीं कहीं इधर उधर रहते हैं लेकिन मैं सबको आपको कुछ महत्वपूर्ण संबंध करके एक ही जगह पढ़ा रहा हूँ ओके रेनू ठीक है विचार करेंगे आपके सजेशन पर तो ये रिलेशन हो गया एल इक्वल टू आई इन टू ओमेगा देखो सभी रिलेशन दो दो चार चार स्टेप में डिराइव हो जा रहे हैं तो डिरेसन डेरिवेशन तो आपको याद रखना ही है और फाइनल इक्वेशन को रट के भी याद रखना है नेक्स्ट कोड़ी संवेग और घूर्णन गति ऊर्जा में संबंध कोड़ी संवेग और घूर्णन गति ऊर्जा में संबंध जो कि ए होता है एल इक्वल टू टू ई अपान ओमेगा कोड़ी संवेग मतलब कोड़ी संवेग मतलब क्या एल ये और घूर्णन गति इज एन, एनर्जी ई है मान लो ये तो ये दोनों में क्या संबंध है घूर्णन गति ऊर्जा में ये हमको देखना है तो इसका प्रूफ यहां पर हम इसको, इसको स्टार्ट करें ई के फार्मूला से घूर्णन गति ऊर्जा को मैं ई कह रहा हूं तो चूंकि अभी हमने पढ़ा है ई इक्वल टू होता है वन अपॉइंट टू आई इंटू ओमेगा वन अपॉइंट टू आई इंटू ओमेगा ई बराबर होता है क्लियर बट अपने को पता है कि एल जो होता है एल जो होता है वह क्या होता है देखो कौड़ी समय पी इंटू आर के बराबर होता है एल जो है पी इंटू आर के बराबर होता है क्लियर तो एल को हम क्या लिख सकते हैं पी इंटू आर इस प्रकार से इसको और हम सॉल्व करें एक मिनट इसी को मैं एडजस्ट कर देता हूं तो ज्यादा लेंदी नहीं होगा थोड़ा हम टेक्निक से कर देते हैं एल इक्वल टू आई इं ओमेगा हम पढ़ें इसका यूज कर देते हैं एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा हम पढ़े हैं अभी तो क्या करते हैं यहां पर जो आई इंटू ओमेगा घूर्डन गति यूज है वन ए पॉइंट टू आई ओमेगा होता है ना देखो अभी फार्मूला में मैं स्क्वायर लगाना भूल गया तभी सोच रहा था वन ए पॉइंट टू आई ओमेगा स्क्वायर होता है जैसे काइनेटिक एनर्जी वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वयर होता है उसी प्रकार से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वन अपॉइंट टू आई ओमेगा स्क्वेर होता है मैं चैप्टर के लास्ट में इसका आपको कंपिटेटिव फार्मूला दूंगा चैप्टर के लास्ट में कंपिटेटिव फार्मूला दूंगा कि ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है मतलब स्थानांतरित गति जो होता है वह घूर्णी गति में किस प्रकार से रूपांतरित हो जाता है लेकिन पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ लें उसके बाद अपन देंगे ठीक है चलो अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज ई इक्वल वन अपॉइंट टू यह हो गया आई और इंटू ओमेगा इंटू ओ ओमेगा ऐसा लिखा जा सकता है मतलब ओमेगा स्क्वायर को मैंने दो बार लिख दिया ओमेगा इंटू ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर को हमने ओमेगा इंटू ओमेगा लिख दिया दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो ई इक्वल टू वन अपॉइंट टू ये जो आई इंटू ओमेगा है वह एल के बराबर हो जाता है तो एल इन क्या हो गया ओमेगा इस तरह से e इक्वल टू वन अपान टू एल ओमेगा हो गया और एल निकालना है अपने को तो देयर फॉर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा टू ई ओमेगा इस प्रकार से एल इक्वल टू टू ई ओमेगा होगा एल इक्वल टू टू ई ओमेगा ये फार्मूला किसका हो गया कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध हो गया तो देखो एक ही फार्मूला से सब डिराइव होते जा रहे हैं बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि किस रिलेशन से आप क्या डिराइव करोगे ओके हो गया फिर ये रिलेशन इसके बाद देखो नेक्स्ट बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध देखो सभी संबंध को मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ एक ही जगह मैंने कराया है इसको आज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बल अगुण और कोणी संवेग में संबंध जो कि यह है बल अगुण और कोणि में संबंध ये कैसे डिराइव होगा देखो इसका प्रूफ टावर आवर डी एल बाई डी टी देखो चूंकि हमको पता है कि एल इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ओमेगा यह एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा अभी मैंने यहां पर यूज किया है एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा तो सीधा हम लिखें चूंकि एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा अब इसको बाद क्या करें डिफ्रेंशिएट करें नाउ डिफरेंशिएट नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी अब इसको क्या करें हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी एल बाई डी टी ये होगा और राइट right साइड में क्या हो जाएगा डी बाई डी टी आफ आई इंटू ओमेगा अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ये डी एल बाई डी टी राइट साइड में देखो आई कांस्टेंट है तो आई को हम बाहर कर लिए और यह हो जाएगा डी ओमेगा मेगा बाई डी टी डी बाई डी टी ये हो जाएगा अब आप मुझे बताओ कि डी ओमेगा मेगा बाई डी टी किसके बराबर होता है जब हम कोड़ी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं जब हम कोड़ी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं डी तो ओमेगा बाई डी टी मिलता है जो कि किसके बराबर होता है अभिषेक अल्फा के बराबर ओके ओके वेरी गुड डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है अल्फा के बराबर होता है तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं देखो भाई आप में से मैक्सिमम लोग को पीछे का कुछ भी पता नहीं है डीएल बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा आई इन अल्फा आई और अभी हमने पढ़ा है पहला रिलेशन आई इंटू अल्फा किसके बराबर होता है टा या टाउ के बराबर होता है देखो ये हमने शुरुआत किया था ये ये होता है टा इक्वल टू आई इंटू अल्फा तो आई इंटू अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं टा लिख सकते हैं इस प्रकार से देखो ये जो आई इंटू अल्फा है इसको हम देयर फॉर डी एल बाई डी टी इक्वल टू टा ये लिख सकते हैं इस प्रकार से इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है ठीक है फाइनली हम इसको साइड को इसका चेंज कर दे टा को इधर लिख दूं मैं तो इक्वल टू होता है डी एल अपॉन डी टी और ये क्या है इसका फाइनल इक्वेशन है टाइ इक्वल टू डी एल बाई डी टी ये इसका फाइनल इक्वेशन है तो ये जितना रिलेशन मैं आपको बताया ये जितना रिलेशन मैं आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आज के क्लास में ये रिलेशन आपको प्रिपेयर करना है यदि आपको नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझना है क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा वो पूरे टॉपिक इन्हीं रिलेशन पर कहीं ना कहीं से बेस्ड होंगे ठीक है तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ ध्यान से सुनो और ये पूरे रिलेशन बहुत कन्फ्यूजन है ना रिलेशन आप प्रॉपर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है देखो पहला मैंने आपको बताया घूर्णन गति ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिस प्रकार से लीनियर काइनेटिक एनर्जी वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर होता है उसी तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वन अपॉइंट टू आई ओमेगा स्क्वायर मतलब यदि हम वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर को व्ही को आर ओमेगा लिख के कन्वर्ट करें तो इसमें बदल जाता है तो इसका डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए ओके इसके बाद सेकंड देखो जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण में संबंध मतलब टा और अल्फा में संबंध तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों में टाईक्वल टू आई इन टू अल्फा होता है ये रिलेशन मैग्जिम स्टूडेंट भूल जाते हैं इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं बनता इसको हमने कैसे प्रूफ किया टावर आवर एफ इन टू आर और यहाँ से हमने टाईक्वल टू आई इं टू अल्फ़ा को प्रूफ किया तो यह है पहला रिलेशन फिर हमने देखा कोड़ी संवेद और जड़तागुण में संबंध तो एल इक्वल टू होता है आई इन टू ओमेगा ये इस तरह से प्रूफ किया तो पूरे रिलेशन इस चैप्टर में जितने रिलेशन हैं आपस में इनके उनको मैंने एक ही जगह कलेक्ट करके आपको दिया इसके बाद कौड़ी संवेग और आघुण गति ऊर्जा या गति ऊर्जा घूर्णी गति ऊर्जा में संबंध एक ही मतलब है तो एल इक्वल टू टू ई ओमेगा होता है ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया इसको ठीक है ये प्रूफ किया इसके बाद नेक्स्ट देखो बल आघूर्ण और कोड़ी समेत में संबंध तो टा बराबर होता है डी एल बाई इतने रिलेशन आपको प्रिपेयर करना है तो इसी रिलेशन के बेस पर बिल्कुल देखो रेगुलर टॉपिक आप तैयार करते जाओ यदि आपको कुछ अच्छा करना है यदि आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो उसकी एक ही पॉलिसी है एक ही तरीका है कि जितना भी पढ़ाया जाता है सेम डे में प्रिपेयर करो आप मतलब नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो ये पूरा तैयार रहे और फिर किसी बड़े प्रतिज्ञा संकल्प का जरूरत नहीं है बारह चौदह सोलह घंटा पढ़ने का टेंशन नहीं है जो पढ़ाया जाता है उसी दिन यदि तैयार कोई कर लेता है और बीच बीच में प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेता है तो पूरा तैयार हो गया ओके कोड़ी संवेद संरक्षण का नियम ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके पहले आप लोग रेखी संवेद संरक्षण का सिद्धांत पढ़ चुके हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोड़ी संवेद संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोड़ी संवेद संरक्षण का सिद्धांत रेखी संवेद संरक्षण का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है सरल रेखी गति में तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रेखी संवेद संरक्षण का सिद्धांत पर बात कर लें बता सकता है आप में से कोई कि रेखी संवेद संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कुछ हिंट करके आप चैट में लिखिए पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है रेखी संवेद संरक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है सिंबॉलिक आप लिख के बताइए रेखी संवेद संरक्षण का यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोड़ी संवय संरक्षण का पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है वेरी गुड वेरी गुड तो बाकी लोग को नहीं पता भाई ये बात बाकी बाकी लोग को यह बात नहीं पता कैसे करें आप लोग पीछे का भी आप टॉपिक को रिवाइज करते रहो या जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है वो पीछे से करो रेखी संवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल शून्य हो तो उस पिंड का संवेग जो होता है वह नियत होता है यह है रेखी संवेग संरक्षण का सिद्धांत रेखी संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है रेखी संवेग संरक्षण का सिद्धांत यदि किसी पिंड पर लगाया गया वाह्य बल यदि किसी पिंड पर लगाया गया वाह्य बल शून्य हो दैट मीन्स यदि बाहर से किसी पिंड पर कोई बल न लगाया जा रहा हो तो उस कंडीशन में उस पिंड का जो संपूर्ण संवेग है वह नियत होता है इसको बोलते हैं रेखी संवेक संरक्षण का सिद्धांत ये कहलाता है रेखी संवयक संरक्षण का सिद्धांत ठीक उसी प्रकार से कोणी संवेक संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है देखो यहाँ पर हमको सूत्र पता है चूंकि टा इक्वल टू होता है डी एल बाई डी टी ये हमने कुछ महत्वपूर्ण संबंध में कल ये रिलेशन हमने डिराइव किया है कुछ महत्वपूर्ण संबंध में कल हमने ये रिलेशन डिराइव किया है टा इक्वल टू होता है डी एल बाई डी टी ये हम जानते हैं अब कोणी संवेद संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है जैसे रेखी संवय संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि बल शून्य हो तो पी नियत होता है तो कोणी संवेद संरक्षण का सिद्धांत का कहना है कि यदि टा जीरो हो यदि टा ता या टाउ क्या हो जीरो हो तो उस कंडीशन में इसका जो एल होता है वह नियत होता है यही सिद्धांत का कहना है मतलब यदि किसी पिंड पर लगाया गया जो बल अघूर्ण है वह शून्य हो तो यहाँ पर क्या है बल अघूर्ण है मतलब यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल अघूर्ण का मान शून्य हो तो उस पिंड का जो कोणी संवेग है वह नियत होता है ये कहलाता है कोणी संवेग संरक्षण का नियम अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि भैया कैसे हुआ तो प्रूफ कैसे किया जा सकता है इसको देखो इसका प्रूफ इसका प्रूफ क्या होगा यहाँ से इस फार्मूला पर अप्लाई करो टा इक्वल टू तो डी एल बाई डी टी पर तो चूंकि हमको पता है कि डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू तो टा होता है देयर फॉर डी एल बटे डी टी इक्वल टू तो टा का मान शून्य रख दें तो ये जीरो हो जाएगा और आपको पता है कि जब किसी भी राशि का जब किसी भी राशि का अवकलन शून्य हो रहा हो तो वह राशि क्या होता है नियत होता है क्योंकि हमने कैलकुलस में पढ़ा है कैलकुलस में क्या पढ़ा है कि किसी भी कांस्टेंट का डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब किसी कांस्टेंट का अवकलन ही शून्य होता है किसी और का अवकलन शून्य नहीं हो सकता या ऐसा कह सकते हैं कि जिसका अवकलन शून्य हो रहा हो वह कांस्टेंट होता है दोनों बात सही है तो चूंकि यहां पर डी एल बेटे डी टी का मान शून्य हो रहा है तो देर फॉर हम क्या कह सकते हैं एल कांस्टेंट है एल है और ये कहलाता है हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बिल्कुल रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत की तरह है जैसा रेखी संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है वैसा ही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत होता है एक बार रिपीट करता हूं ध्यान से सुनो यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल आघूर्ण यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल आघूर्ण शून्य हो तो उस पिंड का कोणी संवेग नियत होता है ओके नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं जड़त्व आघुन पर प्रमेय। जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय जडत्व आघूर्ण पर प्रमेय मतलब हमने जो जड़तागुण पढ़ा उस पर हमको कुछ थ्योरम पढ़ना है जिसमें पहला है हमारा योग का प्रमेय पहला प्रमेय क्या कहता है योग का प्रमेय थ्योरम ऑफ एडिशन। तीन प्रमेय हमको जड़तागुण पर पढ़ना है और ये तीनों प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है इन तीनों प्रमेय की सहायता से ही हम आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप के बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया का कैलकुलेट कर कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग प्रकार के पिंड के जड़ व का हम गणना करते हैं इसकी सहायता से ठीक है तो चलिए हम देखें कि यह क्या होता है योग का प्रमेय तो सपोज़ अपने पास कोई एक पिंड है मान लो ये कोई एक पिंड है और यह पिंड क्या है घूर्णी गति कर रहा है मान लो यह इस एक्सिस के अबाउट घूर्णी गति कर रहा है और इस पिंड पर बहुत से अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मान लो एम पार्टिकल है मैं पहले भी आप लोग को यह शुरुआत में बताया था ये सपोज़ एम पार्टिकल है यहाँ पर सपोज़ एम थ्री पार्टिकल है यहाँ पर सपोज़ एम फोर पार्टिकल है इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत से पार्टिकल्स हैं और ये जितने पार्टिकल्स आप देख रहे हैं एम वन एम थ्री एम फोर जो भी है ये सब का क्या है यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस है और इस तरह से हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया सपोज़ एम वन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वन है एम टू पार्टिकल का मोमेंट ऑफ़ इनर्सिया आई टू है एम थ्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई थ्री है इसका सपोज आई फोर है इस प्रकार से एन पार्टिकल हैं और एन पार्टिकल के सब के मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है अलग अलग हैं। तो योग का प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी पिंड का के अलग अलग कणों का जड़तवाघुण अलग अलग है सबका आई वन आई टू आई थ्री है तो पूरे सिस्टम का या पूरे पिंड का जो कुल जड़तवाघुण होगा पूरे पिंड का जो जड़तवाघुण होगा वह सभी जड़तवाघुणों के योगफल के बराबर होगा कहने का मतलब I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस एन सो वन यदि n पार्टिकल है तो आई एन इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बने दो या दो से अधिक कणों से मिल मिलकर बने किसी निकाय का जो कुल जड़त्व आघूर्ण होता है वह सभी अलग अलग पार्टिकल के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है तो यह प्रमेय बहुत आसान है यह बहुत सरल है इस प्रमेय में कुछ भी नहीं है इसके बाद जो दो प्रमेय हम पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है तो इसको आप लिख लो बस एक लाइन का है इसके बाद हम पढ़ेंगे समानता रक्ष प्रमेय इसके बाद हमको पढ़ना है क्या समानता रक्ष प्रमेय जड़त वाघूर्ण क्या है नितिन इसको जानने के लिए आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे इसको जानने के लिए आपको पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे है ना? हम प्रॉपर सीक्वेंस पर आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं 100 परसेंट हमारा क्लास ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर छोड़ दिया कुछ टॉपिक छोड़ दिया कई स्टूडेंट हमको फ़ोन करते हैं कि सर क्या यूट्यूब पर आप हंड्रेड परसेंट सिलेबस कराएंगे तो हाँ भाई हम दो साल से आपको हंड्रेड परसेंट सिलेबस पूरा करा रहे हैं इस साल भी आपका हंड्रेड परसेंट सिलेबस पूरा होगा ये बच्चे क्यों डाउट में रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता वो पूछते हैं सर एप्लीकेशन में कोई क्लास है क्या आपका तो मैं बोलता हूँ क्यों यूट्यूब में कहे नहीं पढ़ रहे हूँ तो बोलते हैं सर उसमें कोर्स पूरा होगा उसमें सब चीज़ पढ़ाएंगे तो भाई यहाँ पर मैं हंड्रेड परसेंट आपको पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते लेट होने का क्या मतलब है लेट होने का कोई मतलब नहीं है आप पीछे का वीडियो देखो भाई ये तो ऑफलाइन क्लास है नहीं कि आपके टीचर पढ़ा दिए वो आगे निकल गया फिर उसके लिए अलग से बैकलाग क्लास होगा यहाँ तो आपके पास यूट्यूब में कितनी बड़ी फैसिलिटी है आपके पास कि जो क्लासेस हो गए उसके वीडियो आपको अवेलेबल है प्ले पर आप वहाँ जाओ और उसे करो तो आप कभी लेट नहीं हुए हो तो प्रीवियस टॉपिक को भी आप कवर करते चलो और हमारे साथ भी करते हुए चलो दोनों काम आप करते हुए चलो जिन लोग लेट में क्लास ज्वाइन किए हो उन लोग पीछे से एक एक टॉपिक शुरुआत से देखना शुरू करो हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग मूलभूत गणितीय अवधारणा जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करना चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर अक्षों का प्रमेय समांतर अक्षों का प्रमेय पहला थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस तो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है देखो नाम से स्पष्ट है समांतर अक्ष का प्रमेय का मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सिस हैं वो पैरेलल होंगे नाम से स्पष्ट है तो इसको हम चित्र की सहायता से पहले समझते हैं देखो यहाँ पर हमने एक पिंड बना लिया मान लो इस तरह से कोई पिंड है ये पिंड को मैं आड़ा तिरछा इसलिए बना देता हूँ कि हर बार यदि मैं एक सर्कल ड्रा करूँ तो बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि शायद ये सिर्फ गोले के लिए बस ऐसा नहीं है पिंड की आकृति कैसी भी हो सकती है इसलिए हम आड़ा तिरछा चित्र बना देते हैं इससे ये पता चलता है ठीक है तो उस उसको आपको ये पता चलेगा कि भाई पिंड कैसा भी हो सकता है अब मान लो हर बार मैं एक सर्कल बना दूं मेरे पास तो टूल है एक सर्कल बना दूं तो फिर स्टूडेंट सोचेगा कि शायद सर हर बार सर्कल बनाते हैं तो ये शायद सिर्फ गोला के लिए ही लागू होता होगा गोला बस के लागू नहीं होता ये किसी भी के लिए लागू होता है हाँ बाद में हम अलग अलग पिंडों के लिए जड़ आघूर्णों की गणना करेंगे वो अलग चीज़ है तो यहाँ पर देखो ये मान लो एक पिंड है और इस पिंड में मान लो दो अक्ष हम लेते हैं एक अक्ष ये है एक ये अक्ष है और एक दूसरा अक्ष है ये ये एक दूसरा अक्ष है ये दो अक्ष हैं, ये अक्ष है एक्स वाई ये और जो दूसरा येलो कलर से आप देख रहे हो ये अक्ष है सी एम सी एम का मतलब सेंटर ऑफ मास से होके जाने वाला अक्ष आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी दृढ़ पिंड के अंदर में एक पॉइंट होता है उस पॉइंट पर पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है उसको हम उसका सेंटर ऑफ मास या हिंदी में द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास से होके जाने वाला अक्ष है और ये जो एक स्वाई या ब्लू कलर से अक्ष देख रहे हो यह वह अक्ष है जिसके सापेक्ष हमको जड़पाघुण निकालना है ये वो अक्ष है तो दो अक्ष हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर देखो दोनों अक्ष आपको चित्र में समांतर दिखाई दे रहे हैं दोनों अक्ष आपस में देखो समांतर दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए इस अक्ष का नाम है समांतर अक्ष प्रमेय अब यहाँ पर देखना ये दोनों अक्षों के जो बीच की दूरी है ये दोनों अक्षों के बीच की दूरी को हमने क्या लिया हुआ है देखो ये इस दूरी को हमने ए लिया है ये दोनों अक्षों के बीच की दूरी है दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी तो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है इसका स्टेटमेंट इस क्या कहता है ये कहता है कि आई एक्स वाई मतलब किसी दिए गए अक्ष के परिता जो जड़वागुण होता है वह आई सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के प्रता जड़तवागुण और संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है तो यहां पर जो मैं मैथमेटिकल लिखा हूं इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम शब्दों में क्या कह सकते हैं देखो इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम शब्दों में क्या कह सकते हैं ध्यान से सुनना किसी दिए गए अक्ष के परितह जड़त्व गुण मतलब आई एक्स वाई किसी दिए गए अक्ष के परितह जड़त्व गुण द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के पैतः जड़वागुण किसी दिए गए अक्ष के पिता जड़वागुण द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के पैतः जड़वागुण तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है यदि आपको इसको यदि आपको इसको समझ में आ गया तो आपको बोलना इसको आ जाएगा रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है उसी मैथमेटिकल रिलेशन को मैं आपको शब्दों में बोल रहा हूँ एक बार और ध्यान से सुनो बाएं पक्ष को हम क्या कहेंगे किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त वाघुण तो किसी दिए गए अक्ष के परिता जड़तवाघुर्ण तो जो होता है वह द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के जड़त्व जड़वागुण तथा पिंड के द्रव्यमान और उन समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है के योगफल के बराबर होता है यह कहलाता है समांतर अक्षों का प्रमेय ठीक है तो समांतर अक्ष के प्रमेय को हम इस प्रकार से शब्दों में कह सकते हैं यह है समांतर रस का प्रमेय। अब हम यहां पर देखते हैं इसका प्रूफ यह तो हो गया इसका कथन अब हम इसका प्रूफ देखेंगे यह तो केवल कथन है भाई अब इसका प्रूफ प्रूफ मतलब प्रमाण तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें पिंड में हम यहां पर एक कण मान लेते हैं मान लो यहां पर एक कण है इस कण का नाम है पी पी फॉर पार्टिकल और इसका द्रव्यमान मान लो इस्माल एम है तो हमने इस पिंड में एक पी एक कण मान लिया और उस कण के द्रव्यमान को हमने इस्माल एम मान लिया ओके क्लियर यहां तक अब इसके बाद हम इसके बीच की दूरी को हम एक्स मान लेते हैं मान लो हम यहां से इसकी बीच की दूरी को हमने एक्स मान लिया मतलब यह जो सेंटर ऑफ मास वाला अक्ष अच्छा है उससे इसके बीच की दूरी x है इस प्रकार से अब हम सबसे पहले यह जो स्मॉल पार्टिकल हमने सपोज किया है स्मॉल m जो हमने सपोज किया है उसका आघूर्ण निकाल लेते हैं किसके सापेक्ष x y अक्ष के सापेक्ष इसका हम आघूर्ण निकाल लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले कण का कण p जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है कण P का एक्स वाई अक्ष के परित जड़ प्वागुण बराबर क्या हो जाएगा जड़ प्वागुण बराबर होता है एम आर तो कण का द्रव्यमान क्या है स्मॉल एम और उस इस्मॉल एम का इस्मॉल इस एम पार्टिकल का इस एक्स वाई अक्ष से दूरी कितना है ए प्लस एक्स तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इस प्रकार से देखो कण पी का एक्स वाई अक्ष के परितः जड़त्व गुण बराबर हो जाएगा एम इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्लियर ये हमने निकाल लिया कण पी का तो अभी हमने किसका निकाला है कण P का निकाला है लेकिन हमको किसका चाहिए हमको संपूर्ण पिंड का चाहिए हमको संपूर्ण पिंड का, का चाहिए तो अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण पिंड का ठीक है इसलिए इसलिए संपूर्ण पिंड का एक्स वाई अक्ष इसलिए संपूर्ण पिंड का एक्स वाई अक्ष के परितः के परिता जड़ुण संपूर्ण पिंड का एक्स वाई एकस के परिता और इसको हम क्या कह देंगे आई एक्स वाई इसका हमने संकेत कर दिया क्या आई एक्स वाई ये है तो अब यहां पर ध्यान से समझना ये जो निकला है m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये कण का है और जब हमको संपूर्ण पिंड का चाहिए तो हम क्या करेंगे उसका सिग्मा करेंगे उसका सिग्मा करेंगे सिग्मा मतलब क्या होता है सम ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसका सिग्मा कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एम ए प्लस एक्स का होल स्क्वेयर सिग्मा मतलब होता है सम मतलब ये कैसा प्रोसेस है हमने सबसे पहले छोटे से पार्टिकल का निकाला और फिर छोटे से पार्टिकल के बाद हमने क्या किया उसका सिग्मा कर दिया सिग्मा मतलब सम होता है ये हो गया अब आगे इसको हम स्पांड करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा देखो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप को मैं दोबारा यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ देयर फॉर आई एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एम ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इम्प्लाइज आगे इसको साल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा ये आई एक्स वाई इक्वल ये सिग्मा अब ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर को स्पॉन्ड करेंगे तो हो जाएगा एम ए स्क्वा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स ये हो जाएगा आगे और इसको हम स्पांड करें तो आई एक्स वाई बराबर अब इसको सिग्मा को ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा टू एम ए एक्स ये होगा इस प्रकार से हमने क्या कर दिया सिग्मा को हमने ओपन कर दिया सिग्मा को ओपन करने के बाद सिग्मा को ओपन करने के बाद इसको हम और आगे हल करें तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा आई एक्स वाई इक्वल अब यहाँ पर एक एक टर्म को ध्यान देना एक एक टर्म को ध्यान देना ये जो टर्म है वो क्या है सिग्मा मतलब सम और एम ए स्क्वायर मतलब जड़ हो गया लेकिन यहाँ पर एम संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है और ए यहाँ पर दोनों समानता लक्ष्यों के बीच की दूरी है तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं इतने को लिख सकते हैं कैपिटल एम और ए स्क्वायर क्योंकि यहां पर सिग्मा केवल द्रव्यमान का होगा दूरी का सिग्मा नहीं होगा क्योंकि दूरी तो दोनों के बीच का ए ही है सिग्मा करोगे तो भी ए होगा नहीं करोगे तो भी होगा लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल है इनका सबका सम करोगे तो कैपिटल एम हो जाएगा तो एम ए हो गया प्लस यहाँ पे देखो ये ये सिग्मा एम एक्स स्क्वायर क्या है एक्चुअल में आई सी एम है आई सी एम है कैसे यहाँ पर आप चित्र में देखो कि एम एक्स स्क्वायर मतलब इस पिंड का द्रव्यमान और इसके बीच की दूरी का वर्ग का गुणनफल तो वो क्या होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मतलब द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हो गया एम और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग तो उसको हम क्या लिख सकते हैं आई सी एम लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पर ध्यान देना प्लस ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये वाला टर्म जीरो क्यों हो जाएगा इसका मैं कारण साइड में लिख रहा हूँ इसके जीरो होने का कारण क्या है कि सिग्मा एम एक्स जीरो होगा यहाँ पर सिग्मा एम एक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा सिग्मा एम एक्स का वैल्यू जीरो क्यों होगा सिग्मा एम एक्स का वैल्यू जीरो क्यों होगा सिग्मा एम एक्स के वैल्यू का जीरो होने का कारण क्या है देखो स्मॉल एम क्या है उस पार्टिकल का द्रव्यमान है स्मॉल एम उस छोटे पार्टिकल का द्रव्यमान है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है और ये जो लाइन देख रहे हो यह सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला लाइन है और हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है और वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है दैट मीन्स ये जो इस्म इंद्र विमान देख रहे हो यह भी यहीं पर केंद्रित होगा यह भी यहीं पर केंद्रित होगा तो जब वह भी वहां पर केंद्रित होगा तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा जीरो ये इनके बीच की दूरी जीरो हो जाएगा और इस कारण से ये पूरा वैल्यू क्या हो गया है जीरो हो गया है इस प्रकार से वैल्यू जीरो हो गया है ये जीरो हो गया और इस प्रकार से हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं देयर फॉर आई एक्स वाई इक्वल टू इसको मैं पहले लिख देता हूं आई सी एम और इसको बाद में लिख देता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम ए स्क्वेयर और यही क्या है समांतरक्ष प्रमेय का प्रूफ है इस प्रकार से हम प्रमेय को प्रूफ कर सकते हैं ओके यह समांतरक्ष प्रमेय का प्रूफ है और यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है देख लो एक बार आप समझ लो ध्यान से कोई डाउट हो तो आप पूछो और डाउट ना हो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो इस थ्योरम को भी प्रूव करना है अपने को इसके बाद इसके एप्लीकेशन तो हम पढ़ेंगे ही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखो समांतर प्रमेय में हमने क्या पढ़ा कि दो समानता अक्षों का तुलना करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला यहाँ पर हमको क्या करना है लंब अक्षों की सहायता से मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको कैलकुलेट करना है तो हम कथन पर बाद में बात करेंगे सबसे पहले हम चित्र की सहायता से समझें कि लंब अक्ष प्रमेय किस प्रकार से लगाया जाता है सपोज ये हमारे पास कोई एक पिंड है इस तरह से हमने एक पिंड ले लिया ये सपोज़ ये कोई बॉडी है एक पिंड है ये और इसमें तीन अक्ष इस प्रकार से हैं देखो ये x एक्सिस है यह y एक्सिस है या z एक्सिस है किसी को कुछ भी सपोज कर सकते हैं ये सपोज y एक्सिस है तो यहां पर हमने कंसीडर कर लिया ये x एक्सिस है सपोज यह y एक्सिस है और यह सपोज z एक्सिस है अब हमको इसका मोमेंट ऑफ एनर्जियाँ निकालना है ये इसका मान लो मूल बिंदु है अब हमको इस पिंड का आघूर्ण इन तीनों में से किसी एक अक्ष के परित निकालना है या तो हम एक अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हैं या तो वाई अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हैं या तो जेड अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हैं तो तीनों में से किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष हमको इसमें आघूर्ण निकालना है तो सपोज हमको यहाँ पर जेड एक्सिस के सापेक्ष आघूर्ण निकालना है तो हम क्या करेंगे इस जेड अक्ष को आगे हम यहां पर कंटिन्यू कर देते हैं ये ये जेड एक्सिस हमारा रोटेशनल एक्सिस है और इसी अक्ष के प्रिता मान लो हमको इधर घुमाना है ये इसको घुमाने की दिशा है इस अक्ष के प्रिता हमको इसका जड़ तवागुण चाहिए ये हमारा पर्पज़ है तो ये थ्योरम क्या कहता है कि तीन लंबवत अक्षों में तीन परस्पर लंबवत अक्षों में जिस अक्ष के प्रिता हमको जड़ तवागुण निकालना होता है मान लो हमको यहाँ पर जड़ तवागुण निकालना है जेड एक्स के परिता तो वो हो जाएगा आई जेड और इक्वल हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई ये लंबवत अक्ष का थ्योरम है मतलब इस थ्योरम को हम शब्दों में क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनना लंबवत अक्ष प्रमेय का कथन ये है कि किसी पिंड का आघूर्ण किसी दिए गए तीन अक्षों में किसी एक अक्ष के परितः आघूर्ण शेष दो लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है जबकि तीनों अक्ष एक ही बिंदु से पास हों जबकि तीनों अक्ष एक ही बिंदु से पास हों किसी दिए गए अक्ष के परितः पिंड का आघूर्ण दो अन्य लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है जबकि तीनों अक्ष एक ही बिंदु से गुजरें या एक ही बिंदु से पास हो कह सकते हैं यह कहलाता है लंबवत अक्ष प्रमेय यदि हम चाहते हैं और y अक्ष के परिता हम जड़ता घूण नहीं चाहते तो आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड हो जाता है यदि हम चाहते हैं कि y अक्ष के पिता जड़ता चाहें तो आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जेड प्लस आई एक्स हो जाएगा इस प्रकार से तीनों में से किसी एक का जो मान है वो दो और अक्षों के योगफल के बराबर होता है ठीक है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, कि किसी दिए गए इसके जड़ आघुण दो शेष लंबत अक्षों के जड़दवागुणों के योगफल के बराबर होता है अब करना है हमको इसको प्रूफ यह तो हो गया इसका कथन अब हमको इस कथन को प्रूफ करना है इस कथन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर एक कण सपोज कर लेते हैं कि मान लो यहां पर यह जो मैं निशान लगा रहा हूं यहां पर द्रव्यमान का एक कण है अब इस इसमाल विमान का कण का तीनों अक्षों से दूरी क्या है ये हम यहाँ पर शो करते हैं तो मान लो इसका x अक्ष से दूरी लंबा दूरी ये है और y अक्ष से इसका दूरी ये है इस प्रकार से सपोज ये इसका लंबा दूरी है और इसका z अक्ष से लंबा दूरी ये है इस प्रकार से तो मान लो हम उसको दूरियों को x अक्ष से उसकी लंबा दूरी को हमने x मान लिया y अक्ष से लंबा दूरी को हमने y मान लिया और यहाँ से जो जेड अक्ष से उसकी लंबा दूरी है उसको मान लो हमने आर मान लिया इस प्रकार से तीनों अक्षों के परिता हमने यहाँ पर इसके जड़ दूरी को मान लिया अब यहाँ पर देखो यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा तो यहाँ पर त्रिभुज का नाम दे देते हैं सपोज हम ओ इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और इस बिंदु का नाम दे देते हैं सपोज पी इस प्रकार से तो हमारे पास एक त्रिभुज है ओ ए पी तो इसके गणना में हम क्या करेंगे सबसे पहले उस त्रिभुज का ही यूज करेंगे इसके गणना में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में समकोण त्रिभुज ओ ए पी में इस त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ओ पी का जो वर्ग होगा जो कि इसका कर्ण है ओ पी वर्ग बराबर क्या होगा ये जो ओ ए वर्ग है ठीक है ओ ए वर्ग प्लस ए पी वर्ग ओ ए का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग इस प्रकार से होगा थ्री डायमेंशन फिगर है इसलिए यहाँ पर कई बार दूरी क्या है एग्जैक्ट उसको हम फिल नहीं कर पाते कि दूरी कौन सा है इस प्रकार से इसका वर्ग हो जाएगा अब यहाँ पर देखो ओ पी का जो मान है ओ पी वो आर के बराबर है तो दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये ये वाई एक्स के सामने समांतर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं तो वाई हो जाएगा इसको मैं पहले लिख रहा हूँ चलो ठीक है चलेगा ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एकस ऐसा एकस लिख सकते हैं उसको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है दैट इम्प्लाइज अब हम इसमें क्या करें इस पूरे समीकरण में हम क्या करते हैं एम का गुणा कर देते हैं ठीक है जो कि इस स्मॉल एम पार्टिकल का द्रव्यमान है तो यह हो जाएगा एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अब हम इसको तीनों का सिग्मा ले लेते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको कॉपी करता हूँ दे आर फॉर यहाँ पर जो मैंने लिखा है बस इसको क्या करूँगा ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो यह हो जाएगा एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर यह होगा अब हम क्या लिखते हैं इसलिए संपूर्ण पिंड के लिए यह केवल कण के लिए था तो अब हम निकाल लेते हैं किसके लिए संपूर्ण पिंड के लिए यह जो ऊपर लिखा गया है वो स्मॉल एम कण के लिए है मतलब अभी हमने जो संबंध निकाला है वो एम पार्टिकल के लिए है लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे पिंड के लिए जड़ता गुण निकालें तो संपूर्ण पिंड के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सिग्मा ले लेंगे दैट इम्प्लाइज यहाँ सिग्मा ले लिया जाए तो हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर ये हो जाएगा इस प्रकार से सिग्मा एम आर तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्लियर जो हो उसको हम लिख सकते हैं आई जेड क्योंकि उसकी जेड अक्ष से दूरी है और सिग्मा एम आर स्क्वेयर ठीक है सिग्मा एम आर स्क्त मतलब क्या हो जाएगा पूरे पिंड का द्रव्यमान के साथ में आर का गुणा जो कि एक्स अक्ष से उसकी दूरी है तो यह हो जाएगा आई जेड और इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं क्या आई एक्स प्लस ये हो जाएगा आई वाई इस प्रकार से देखो ये प्रूफ हो जाएगा कि किसी एक अक्ष के परिता इसका जो जड़त्व घुण है शेष दो लंबवत अक्षों के परिता जड़त्व आघूर्णों के योग फल के बराबर होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई ओके तो है हमारा थ्योरम लंब अक्षों का प्रमेय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये तीन थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया एक का योग पर प्रमेय दूसरा हमने पढ़ लिया किस पर अक्ष पर प्रमेय पढ़ लिया और तीसरा हमने पढ़ लिया लंब अक्ष प्रमेय अब हम यहां पर देखते हैं इसके अलग अलग पिंडों के आघूर्ण का कैलकुलेशन जिसमें दो तीन तरह के पिंडों के जड़वागुणों का कैलकुलेशन करेंगे जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्ति वलय का आघूर्ण देखो वैसे तो बहुत से पिंड हैं जिनके आघूर्ण का हमको गणना करना होता है लेकिन हमारे इलेवेंथ क्लास के सिलेबस में बहुत से पिंड का डेरीवेशन नहीं होता दो तीन पिंड का डेरीवेशन है और बाकी को हमको क्या है सीधा याद करना है नीट या आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए बाकी स्कूल एग्जाम में सिर्फ दो तीन एक तो रिंग है चक्ती है राड है यही पूछे जाते हैं क्योंकि इलेवंथ क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग यही हमारे सिलेबस में होता है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिराइव करेंगे वृत्ति वलय का जड़ाता गुण मोमेंट ऑफ़ इनर्जिया ऑफ सर्कुलर रिंग वृत्ति वलय का जड़त्व तवागुण मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ सर्कुलर रिंग सर्कुलर रिंग मतलब क्या होता है वृत्ति वृत्ति वलय होता है और यदि वृत्ति वलय का जड़त्व तवागुण हम उसके सेंटर से होकर जाने वाले अक्ष के पैतः निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे ये हमको यहाँ पर समझना है ठीक है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं देखो एक को ध्यान से समझोगे तो बाकी सब उसी तरह से बनेगा ये ध्यान में रखना तो ये सपोज हमारा रिंग है ये हमने रिंग मान लिया और रिंग के सेंटर से कोई हमारे पास रिंग है तो रिंग के सेंटर से मतलब उसका केंद्र ये क्या है उसका केंद्र है तो इस केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परिता हमको जड़ आघूर्ण निकालना है जो रिंग के सेंटर से होकर जाता है रिंग के केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परिता हमको जड़ आघूर्ण का गणना करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये अक्ष मान लेते हैं इसको डाटेड लाइन हम शो कर देते हैं इस अक्ष के अक्षको जड़ता तो इसको घुमाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब इसकी और यहां पर एक स्मॉल एंड डिस्टेंस अपन सपोज कर लिया और ये मान लो क्या है डी एक्स है ये स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स है आर इसकी त्रिज्या है और पूरे रिंग का द्रव्यमान सपोज कैपिटल एम है तो क्या क्या हम, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि रिंग का जो वलय है उस वलय का द्रव्यमान कैपिटल एम है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और हमने यहाँ पर एक स्मॉल डिस्टेंस उसकी परिधि पर रिंग की परिधि पर एक छोटा सा पार्ट अपन ले लिए और उस पार्ट को हमने क्या कह दिया डी कह दिया इस प्रकार से देखो अब हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया का कैलकुलेशन करें तो इसकी गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप बाई स्टेप आप समझते जाना क्योंकि ये जो गणना का स्टेप है इसको आपको आगे भी कंटिन्यू करना है कल के टॉपिक में क्योंकि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसी के बेस पर आगे का कैलकुलेशन शुरू होगा तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहां पर हम इसका जो द्रव्यमान कैपिटल एम है तो हम इसके इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकाल लेते हैं ठीक है सबसे पहले अपन निकाल लेंगे क्या कि रिंग के इकाई लंबाई का द्रव्यमान वलय वलय के इकाई वलय के इकाई लंबाई का द्रव्यमान वलय के इकाई लंबाई का द्रव्यमान मतलब हम उसके इकाई लंबाई का मतलब यूनिट लेंथ का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो उसके इकाई लंबाई का जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा उसका कुल द्रव्यमान जो कि कैपिटल एम है यह कुल द्रव्यमान बटे कुल उसकी लंबाई मतलब उसके कुल द्रव्यमान में यदि हम उसकी कुल लंबाई का भाग दे दें तो इकाई लंबाई का हमको क्या निकल जाएगा द्रव्यमान निकल जाएगा सबका वर्किंग स्टेप एक जैसा रहेगा मतलब हम हमेशा यूनिट के लिए पहले निकालेंगे और उसके बाद फिर उसको पूरे पिंड के लिए बदलेंगे तो यहां पर इसकी पूरी लंबाई कितनी है इसकी पूरी लंबाई कितना हो जाएगा टू पाईआर क्योंकि टू पाईआर उसकी क्या है परिधि है तो टोटल दरबेमान में यदि रिंग की लंबाई को वास्तव में रिंग की जो लंबाई उसकी परिधि के बराबर होता है क्यों यदि आप रिंग को काट दो और रिंग को काट के एक सीधा तार बना दो तो उसकी जो लंबाई होगी वास्तव में उसकी परिधि के बराबर होता है इस प्रकार से किसी भी रिंग का या किसी भी सर्कल का सर्कल की जो परिधि है वही उसकी लंबाई कही जाती है क्योंकि उसको काट के सीधा रेखा बनाने पर उसकी लंबाई है तो उसकी क्या हो लंबाई का हम भाग कर दिए टू पाईआर का क्लियर इस प्रकार से देखो एम अपान टू पाई आर हो जाएगा तो वलय के इकाई लंबाई का द्रव्यमान एम अपान टू पाई आर होगा इसके बाद हम देखो यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसको हमने डी एक्स लिया है तो अब उसका हम द्रव्यमान लेते हैं इसलिए डी -एक, एक्स डी एक्स अल्पांस अल्पांस मतलब छोटा पार्ट अल्पांस क्यों लिखा मैं इसको अल्प अंश मतलब छोटा पार्ट तो हमने उस रिंग पर एक छोटा पार्ट लिया है जो कि dx लंबाई का है ओके तो dx अल्पांश का द्रव्यमान अब हम निकाल लेते हैं इसके द्रव्यमान को तो इसका जो द्रव्यमान होगा जो dx अल्पांश का द्रव्यमान होगा जिसको हम क्या कह है? देते हैं dm। dm इसको संकेत कर दिया तो कितना हो जाएगा जब इकाई लंबाई का द्रव्यमान इतना है तो dx लंबाई का dx का उसमें गुणा हो जाएगा तब हमको यहां पर मिल जाएगा एम अपान टू पाई आर और इंटू डी एक्स ये मिलेगा इस प्रकार से उसके इकाई लंबाई के द्रव्यमान में यदि हम क्या करें उसकी लंबाई का गुणा कर दें तो डीएम लंबाई का द्रव्यमान हमको ज्ञात हो जाएगा क्लियर स्टेप को आप समझते जाओ एक एप्लीकेशन यदि आपको समझ में आया तो पूरा एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा ओके अब देखो डीएक्स का द्रव्यमान इतना हो गया डीएम निकाल लिए अब हम निकाल लेते हैं देयर फॉर अब हम निकाल लेते हैं जड़वागुण ठीक है डी तो एक्स अल्पांश का जड़वागुण तो डी एक्स अल्पांश का ये जो अक्ष मैंने यहां पर लिखा है इसको मैं कह देता हूं लेता हूं मैं एक्स वाई तो अक्ष के परिता जड़वागुण एक्स वाई अक्ष के परितः जड़त्व गुण के परितः जड़त्व आघूर्ण। इस प्रकार से देखो dxl5 का द्रव्यमान हमने dm निकाल लिया अब हम डी एक्स अल्पांस का एक्स वाई एक्स का निकालते हैं और इस जड़त्व आघूर्ण को हम संकेत कर दिए क्या डी आई तो आघूर्ण बराबर होता है एम आर स्क्वेयर एम आर तो एम क्या है ये इसका एम है जो जिसको हमने डीएम लिया है तो यह हो जाएगा डी और इन टू तो यहां पर देखो ये जो डीएम है मतलब यहाँ पर जो तो आघूर्ण है छोटे पार्ट का उसका से दूरी कितना है ये जो डीएम का मान हम निकाल के रखे हैं उस डीएम के मान को यहाँ पर लाके पुटअप कर देते हैं जो कि एम अपान टू पाई आर है ठीक है तो क्या हो जाएगा देयरफॉर डी आई बराबर डी आई बराबर क्या होगा डी एम का वैल्यू एम अपन टू पाई आर इंटू डी एक्स एम अपॉन टू पाई डी एक्स ये होगा और उसके साथ में फिर क्या होगा देखो इंटू आर तो यहां पर आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे तो इन टू हो जाएगा आर स्क्वायर दैट इंप्लाइज अब आगे इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा डी आई इक्वल टू एक आर इसके साथ में कैंसल आउट हो जाएगा तो यह हो जाएगा कैपिटल एम अपान टू पाई और यहाँ पर एक आर बचा रहेगा आर इंटू डी एक्स एक आर उसके साथ में कैंसिल आउट हो गया तो यह जो डी आई निकाले हैं अभी हम जो डी आई निकाले हैं यह क्या है एक अल्पांस का मतलब एक छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जड़ता गुण है लेकिन हमको चाहिए संपूर्ण पिंड का तो संपूर्ण पिंड का जड़तागुण निकालने के लिए हमको उसका समाकलन करना पड़ेगा तो इसलिए अब हम निकाल लेते हैं इसलिए संपूर्ण पिंड का इसलिए संपूर्ण पिंड का जड़ुण इसलिए संपूर्ण पिंड का जड़वागुण जिसको हमने i कह दिया तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ di आई इंटीग्रेशन ऑफ डी और इसका लिमिट क्या होगा देखो लिमिट क्या होगा इसका ध्यान से समझना मतलब अब हमको क्या करना है संपूर्ण रिंग को बनाना है ठीक है जैसे संपूर्ण यहां पर मैंने क्या लिख दिया पिंड मत लिखो संपूर्ण वलय का पिंड ही है लेकिन वो हमारा वलय के रूप में है संपूर्ण वलय का जड़वाघुण ठीक है तो अभी हमने अल्पांश का जड़वाघुण निकाला है लेकिन यदि हमको संपूर्ण रिंग का निकालना है तो हमको यहां से शुरू करके रिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा मतलब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है इसका लिमिट रखना तो हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा रिंग बनाने के लिए हम उसकी पूरी परिधि पर चलेंगे इस प्रकार से हम क्या करेंगे जीरो से टू पाई आर इसका समाकलन करेंगे सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है यहाँ पर क्या डिसाइड करना उसका लिमिट डिसाइड करना कि कहाँ से कहाँ तक एक बार मैं रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनो जब हमको हमने अभी इस अल्पांश का निकाला है अभी हमने एक छोटे पार्ट का निकाला है और जब हम ये छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लेंगे उसको पूरे रिंग के लिए बनाना है तो पूरा रिंग को कम्प्लीट करना पड़ेगा मतलब पूरा रिंग को कम्प्लीट करने के लिए घूम के वहीं पर आना पड़ेगा तो यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा घूम के जब वहीं पर आएंगे तो हम रिंग की परिधि के बराबर चलेंगे इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर लोअर लिमिट को जीरो लिया है और अपर लिमिट को टू पाई आर लिया है ओके अब ये जो डी ए डी आई का वैल्यू है इस डी आई के वैल्यू को हम यहाँ से ला के पुटअप कर देते हैं ये जो डी आई निकाले हैं उसको यहां पर भर देते हैं तो यहां पर भरने के बाद क्या हो जाएगा उसका मान को यहां पर भर दो तो हो जाएगा जीरो टू टू पाई आर जीरो टू, टू पाई और आई का वैल्यू हो जाएगा ये एम अपॉन एम अपॉन टू पाई इंटू आर इंटू डी एक्स ये होगा अब हम यहां से इसको समाकलन करें और समाकलन करने के बाद हम इसका वैल्यू को पुटअप करेंगे तो एम आर अपॉन टू पाई तो कांस्टेंट है वो बाहर चलाएगा तो एम अपॉन टू पाई इन आर देयर फॉर ये हो गया आई इक्वल टू कैपिटल एम अपान टू पाई और ऊपर से आर ये क्या हो गया बाहर आ गया तो अंडर अंदर, अंदर बच जाएगा केवल क्या डी एक्स और ये हो जाएगा जीरो टू टू पाई आर दैट इक्वल अब यहाँ पर एम अपान टू पाई इन टू आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स चलिए आप लोग बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होगा कितने लोग बता पाओगे आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का मान कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यहां पर इसका लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा और अपर लिमिट कितना हो जाएगा टू पाई आर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होगा बताइए आप लोग को हमने गणितीय अवधारणा पढ़ाया है और गणितीय अवधारणा को आप लोग रिवीजन करते रहो क्योंकि उसके बिना आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे इंट्रीग्रेशन तो ऑफ डी कितना होगा भाई कौन बताएगा X, very good. एक्स वेरी गुड इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा एक्स होगा इंट्रीगेशन ऑफ डी एक्स एक्स होगा इस तरह से अब यहां पर हम लिमिट पुट अप करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो एम अपान टू पाई इंटू आर और अपर लिमिट कितना है टू पाई आर और माइनस लोअर लिमिट कितना है जीरो तो टू पाई आर माइनस जीरो ए हम यहां पर अप करेंगे देयर अब इसको आगे साल्व करें तो यहां पर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू पाई टू पाई आर के टू पाई टू पाई के साथ में कैंसिल आउट होगा और एम आर स्क्वायर बचेगा तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है रिंग का वो एम आर स्क्वायर होता है ये इसका फार्मूला है ये इसका प्रूव्ड फार्मूला है आई एक पल्ते हमारी स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्जिया है उसके सेंटर से होकर जाने वाले एक्सिस के परित ओके इसी प्रकार से हम और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया को कैलकुलेट करेंगे इसको आप एक बार समझो इसका स्क्रीन शार्ट ले लो इसको लिख लो और ये एक बार प्रिपेयर करो इसको ऐसी सब का बनेगा इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है ऐसी सब का बनेगा रिंग और डिस्क में आप अंतर समझते हैं रिंग मतलब जैसे हाथ में चूड़ी पहनते हैं या फिर कुछ भी कड़ा पहनते हैं वो रिंग है डिस्क मतलब क्या होता है डिस्क आपने देखा होगा सीडी होता है ठीक है जैसे पह, आप तो सीडी मिलते नहीं अब तो सब पेन ड्राइव में काम चलता है पहले सीडी होते थे जैसे वो डिस्क है तो आपको मालूम है कि रिंग क्या है डिस्क क्या है रिंग एक्चुअल में वन डायमेंशन है मतलब उसमें केवल एक परिधि है लेकिन डिस्क क्या होता है पूरा पैक होता है तो हमको डिस्क के कारण हमको डिस्क के कारण क्या करना है जड़ताभूर्ण तो की गणना करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर बना लें डिस्क का और उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें उसको डिस्क को हम थ्री डायमेंशन में कुछ बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा एक मिनट हम डिस्क को थोड़ा सा तिरछा देखें साइड से तो डिस्क हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये मैं थोड़ा उसके थिकनेस को भी शो कर रहा हूँ मैंने उसको उसके थिकनेस को भी थोड़ा शो किया तो इस तरह से हमारा डिस्क होगा और यहाँ पर देखो ये जो डिस्क है इसका हम पहले एक्सिस बना लें कि किसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है तो ये हमारा एक्सिस है ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो इसके हमको आघूर्ण निकालना है मतलब चक्ती के केंद्र से उसके तल के लंबवत चक्ती के केंद्र से उसके तल के लंबवत होकर जाने वाला जो अक्ष है उसके परिता हमको जड़ताघू निकालना है मतलब ये हमारा एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है मान लो चक्ती का टोटल द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसकी त्रिज्या, चक्ती की हम त्रिज्या मान लेते हैं वो मान लो कैपिटल आर है तो का द्रव्यमान कितना कैपिटल एम और उसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान लिया अब आपको वर्किंग स्टेप पहले वाले टॉपिक से पता है एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ ध्यान से सुनना सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हमको निकालना होता है इकाई लंबाई लेकिन यहाँ पर हम इकाई क्षेत्रफल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर टू डायमेंशन बॉडी है हमारे पास तो टू डायमेंशन बॉडी है दूवी पिंड है तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा इसके पहले वाले में केवल रिंग था तो इसलिए हमने वहां पर क्या निकाला था लंबाई के अकॉर्डिंग निकाला था यहां पर हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो सबसे पहले इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालेंगे फिर डी एम स्मॉल एलिमेंट लेंगे उसके लिए हम द्रव्यमान निकालेंगे उसका फिर डी द्रव्यमान के लिए मोमेंट ऑफ नर्सियाँ निकालेंगे जड़तागूर निकालेंगे और उसका फिर हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे ये हमारा वर्किंग स्टेप है तो इसको आप ध्यान से समझना और पहले वाला टॉपिक यदि आपका तैयार है तो नेचुरली ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि काम करने का जो स्टेप है वो सेम टू सेम वही है तो चलिए यहाँ पर हम एक डिस्क इमेजिन कर लेते हैं इसको मैं दूसरे कलर से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम उसको अलग से दिखा सकें तो यहाँ पर हमने एक पतला सा रिंग ये माना जो येलो कलर से आप देख रहे हो और इसकी जो हम त्रिज्या है इसकी जो त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल एक्स ये स्मॉल एक्स है और ये हमने एलिमेंट जो लिया है उसका थिकनेस यहाँ से यहाँ तक तो हमने इसको एक्स मान लिया और इसका जो थिकनेस है इसको हमने क्या मान लिया डी एक्स मान लिया है तो डी एक्स थिकनेस का डी एक्स थिकनेस का हमने एक रिंग कंसीडर किया इसके केंद्र से एक्स दूरी पर माने एक्स त्रिज्या पर एक छोटा सा रिंग मान लिया तो हम सबसे पहले उस रिंग के कारण जड़ता घुड़ निकाल लेंगे और उसका फिर हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे ध्यान से समझना ये इंपॉर्टेंट है और यदि आप ध्यान से नहीं समझोगे तो थोड़ा आपको कठिन भी लग सकता है इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको कैलकुलेशन को समझना है चलिए अब हम इसकी गणना स्टार्ट करें इसकी गणना स्टार्ट करें तो देखो अब हम क्या करें अभी मैं आपको बताया हूं कि सबसे पहले हमको इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालना है ठीक है तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करें गणना क्या करें चक्ती के चकती के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान चक्ती के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान तो चक्ति के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा यह हो जाएगा चक्ति का टोटल द्रव्यमान बटे चक्ति का क्षेत्रफल तो इस डिस्क का इस कंप्लीट डिस्क का क्षेत्रफल कितना होगा कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है तो कंप्लीट क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओके तो ये हम लिख लेंगे क्या पाईआर स्क्वायर ये हो गया चक्ति के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्लियर यहां तक तो चक्ती के इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान विमान हमको यहां से निकल जाएगा अब हम यहां पर निकालेंगे जो अल्पांश हम कंसिडर करते हैं उस अल्पांश के लिए ठीक है अब हम निकालें अल्पांश जो हमने डी एक्स लिया है उसके लिए इसलिए अल्पांस डीएक्स का द्रव्यमान तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे जिसको हम डीएम संकेत दे देते हैं डीएम उसका संकेत है और डीएम में क्या होगा ये जो इकाई क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है उसमें हम उसके डी के क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे तो इकाई का द्रव्यमान कितना है कैपिटल एम अपान पाई आर स्क्वायर और इनटू उस शक्ति का मतलब उस रिंग का जो हमने स्मॉल एलिमेंट सपोज किया है ये येलो कलर से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उसकी परिधि गुणित उसकी मोटाई तो परिधि कितना तो है उसका टू पाई एक्स टू पाई एक्स परिधि है और डी एक्स क्या है उसकी मोटाई है इसका गुणा होगा यह स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट इस मल्टीप्लीकेशन को नहीं समझ पाते कि टू पाई एक्स इंटू डी एक्स का गुणा क्यों हुआ है तो हमको क्षेत्रफल का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हम हम यहाँ पर इकाई क्षेत्रफल पर बात कर रहे हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा उसकी परिधि जो कि लंबाई हो गया और प्लस उसकी मोटाई जो कि डी एक्स हमने माना है तो जब उसकी परिधि में उसकी मोटाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा आगे इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पाई जो है पाई के साथ में कट रहा है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा देयर फॉर डी एम इक्वल टू पाई तो कैंसिल आउट हो गया टू को मैं बाहर लिख दिया टू कैपिटल एम और यहाँ से बचा है एक्स इंटू डी एक्स और अपान पाई कैंसल आउट हो गया तो आर स्क्वायर यह हो गया अल्पांस डी एक्स का द्रव्यमान जब हम अल्पांस का द्रव्यमान निकाल लेते हैं तो अब हम निकाल लेते हैं अल्पांस का जड़तवा गुण लास्ट टाइम भी हमने यही काम किया था तो अब निकाल लेंगे उसका जड़तवा गुर्ण देर फॉर अल्पांश डीएक्स का आघूर्ण अब यदि हम अल्पांस डीएक्स का आघूर्ण निकालें इसका जो आघूर्ण होगा उसको हमने संकेत कर दिया किससे डी आई से डी आई हमने उसका संकेत कर दिया तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग तो द्रव्यमान हम यहां पर निकाल कर रखे हैं जो कि डीएम है एक बार मैं उसको डीएम के फॉर्म में ही लिख दो द्रव्यमान गुणित उसकी दूरी का वर्ग तो डी एक्स का दूरी कितना है देखो यहां से ये यह जो डी एक्स एलिमेंट हमने लिया है उसका केंद्र से घूर्णी अक्ष से दूरी क्या है एक्स है तो एम आर स्क्वायर तो घुण का फार्मूला होता है तो हो जाएगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा दैट इक्वल अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो डीएम का वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देते हैं डीएम का वैल्यू हम क्या निकाल कर रखें देखो यहां पर डीएम का वैल्यू निकाल के टू एम एक्स डी एक्स अपन आर स्क्वायर टू एम एक्स डी एक्स टू एम एक्स इंटू डी एक्स अपन आर स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर यह होगा आगे इसको साल्व करें तो टू एम एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू डी एक्स अपन आर स्क्वायर ये निकाल लिया हमने अल्पांश डी एक्स का जड़तवागुण लेकिन हमको निकालना है पूरे रिंग का जड़वाघुण तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब हमको संपूर्ण रिंग का जड़वागुण निकालना है इसलिए संपूर्ण वलय इसे संपूर्ण वलय का एक्स वाई अक्ष के परिता है के पंच जड़ुण यह हमारा जो एक्स वाई अक्ष है इस अक्ष का नाम हम देते हैं एक्स वाई एक्स एक्स और ये वाई अब हमको क्या करना है पूरे रिंग का हमको जड़ निकालना है सॉरी पूरे चक्ति का पूरा चक्ति वाला लिख दिया क्या चक्ति है भाई चक्ति बोले नहीं डिस्क हिंदी में बड़ा परेशानी हो जाता है डिस्क चक्ति, संपूर्ण चक्ति का एक्स वाई एक्स के परिता है जड़वागुण इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं आई से तो आई टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन क्यों क्योंकि ये जो हमने छोटे पार्ट के लिए जड़वागुण निकाला है इस छोटे पार्ट के जड़वागुण का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है तो उसमें क्या हो जाएगा हमको पूरे पिंड का जड़वागुण ज्ञात हो जाएगा मतलब पूरे डिस्क का जड़वागुण ज्ञात हो जाएगा अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें लिमिट लगाना कि किस बिंदु से किस बिंदु तक उसका समाकलन करेंगे तो पूरा डिस्क मिलेगा तो फिगर को एक बार ध्यान से देखो जब हम इसके केंद्र से स्टार्ट करेंगे इसके केंद्र से स्टार्ट करके पूरा यहां तक जाएंगे मतलब केंद्र से स्टार्ट करके इस परिधि तक जाएंगे उसके केंद्र से स्टार्ट करके जब पूरी परिधि तक जाएंगे तो पूरा डिस्क का निर्माण होगा और उसी से क्या होगा हमको उसका पूरा जड़वागुण मिलेगा इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं उसका जो लिमिट है उसको लिख लेते हैं क्या जीरो टू आर इसका लिमिट हो जाएगा जीरो टू आर तो संपूर्ण शक्ति का एक्स वाई एक्स के पढ़ता जो जड़वागुण होगा वह जीरो टू आर डी आई होगा दैट इक्वल अब इसका हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें तो जीरो टू आर और डी आई तो डी आई का वैल्यू हम यहां से लाके पुटअप कर देते हैं ये हो जाएगा टू एम एक्स क्यूब और अपन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स ये वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे अब हमको इसका यहां पर समाकलन करना है तो समाकलन सिर्फ उसी का होगा जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर समाकलन सिर्फ किसका होगा ये एक्स क्यूब का समाकलन होगा क्योंकि यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है तो जा बाकी जो क्वांटिटी है वो बाहर चलाएगा इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये दैट इक्वल ये हो जाएगा टू एम अपॉन आर स्क्वायर ये होगा और जब इसका समाकलन हो जाएगा तो समाकलन एक बार मैं इसके बाद समाकलन करता हूँ एक बार लिख देता हूँ इसको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इन डी एक्स फ्राम जीरो टू आर अब क्या आप लोग बता सकते हो कि एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा कितने लोग बता सकते हो चलिए चैट में लिखिए एक्स के घात तीन का समाकलन क्या होगा आप लोग को बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हमने समाकलन समझाया है तो एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा बताइए एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा बताइए एक्स के घात तीन का समाकलन गणितीय अवधारणा यदि आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपको फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम होगा ध्रुव मिश्रा एक्स टू पावर फोर अपॉन फोर वेरी गुड बहुत अच्छा इसका समाकलन होगा एक्स के घात चार बटे चार यह किस फार्मूला से होगा आपने समाकलन में फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्लियर तो एक्स क्यूब डी एक्स एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इसका हमको समाकलन करना है इस फार्मूला से तो एन का मान यहाँ पर कितना है तीन है तो एन का मान उधर थ्री पुट करेंगे तो थ्री प्लस वन मतलब फोर अपॉन फोर ये इसका समाकलन होगा ओके इस फार्मूला से होगा जो साइड में लिखा है जिन लोग को नहीं पता है उन लोग ये फार्मूला वहाँ से लिख लो हालांकि आप लोग को ये सब जो गणितीय और धारणा हमने पढ़ाया है वहाँ से पता होना चाहिए और नहीं तो एक बार आप उसका रिवीजन करो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए ऐसे में आपको बहुत जगह प्रॉब्लम होगा और कॉम्पिटिटिव में तो बहुत प्रॉब्लम होगा तो इससे समाकलन करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं टू एम अपन आर स्क्वेयर therefore i equal to 2m upon r square under bracket अब जब इसका समाकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x का घात चार बटे चार जीरो टू आर एक्स टू दावर फोर अपॉन फोर लिमिट हो जाएगा जीरो टू आर दैट इम्प्लाइज अब आगे हम इसको समाकलन करें सॉरी वैल्यू पुटअप करें तो टू एम अपन ये चार को बाहर कर देते हैं तो फोर आर स्क्वायर कांस्टेंट है वो अब लिमिट रखने का फार्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ पर अपर लिमिट आर है तो हो जाएगा आर टू जी पावर फोर माइनस लोअर लिमिट जीरो है ये जीरो हो जाएगा दे आर फोर आई इक्वल टू यहाँ पर अब देखो टू एम अपॉन फोर आर और इंटू आर टू जी पावर फोर अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलेगा यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर क्या मिलेगा ध्यान देना यहाँ पर कैंसल आउट होगा कौन किसके साथ कैंसल आउट होगा ये इसके साथ कैंसल आउट होगा और टू तू, टू तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा दे आर फोर आई इक्वल टू यहाँ से बचा वन अपॉन टू और यहाँ से r एम आर स्क्वायर वन अपॉइंट टू एम आर स्क्वायर ये इसका फाइनल इक्वेशन है तो वन टू एम आर स्क्वा होता है डिस्क के कारण कल हमने रिंग के कारण निकाला था तो रिंग के कारण हमको कितना निकला था रिंग के कारण जो हमको जड़त निकला था वन अपू एम सॉरी एम आर स्क्वायर निकला था और डिस्क के कारण होता है वन अंट टू एम आर स्क्वायर बाद में आप इसके जो भी अक्ष के सापेक्ष चाहें चाहे आप इसके स्पर्श रेखा के सापेक्ष चाहे व्यास के समांतर चाहे ब्यास के लंबवत सब आप समांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्स प्रमे का उपयोग करके निकाल सकते हो ओके okay? तो ये है हमारा है। ये सभी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एप्लीकेशन आप ध्यान से समझो आपको रोज मैं एक ही एप्लीकेशन समझा रहा हूं ताकि आपके लिए बर्डन ना हो हर रोज एक एप्लीकेशन समझा रहा हूँ इसके पहले रिंग समझाया था आज डिस्क समझाया और नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे यूनिफार्म राड तो एक एक आप तैयार करते जाओ क्योंकि सब में समाकलन का यूज है और जहाँ पर अवकलन समाकलन का यूज़ होता है एलेवंथ के स्टूडेंट खासकर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं मुझे मालूम है ठीक है सीधी छड़ का जड़त्व घुंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप स्ट्रेट रॉड यह हमारा टॉपिक है अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है वो एक राड है आप लोग इस बात को ध्यान देना कि तीन एप्लीकेशन का हमको पूरा डेरिवेशन पढ़ना है तीन एप्लीकेशन का मैं पूरा डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ बाकी एप्लीकेशन के आप सिर्फ़ फार्मूले लर्न कर लेना क्योंकि फ्यूचर में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर करोगे तो आपको वो फार्मूले काम आएंगे लेकिन अभी आप इलेवंथ क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से थ्री टॉपिक का आपको डेरिवेशन के सहित तैयार करना चाहिए ठीक है तो तीसरा है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो थर्ड है तो सबसे पहले हम निकाल लें इसका फिगर बना लें। ये सपोज अपने पास एक राड है ये जो राड है यह क्यूबिकल सेप का भी हो सकता है क्यूबिकल सेप को हम बार कहते हैं इंग्लिश में जो क्यूबिकल सेप में होता है उसको बार कहते हैं और जो सिलेंड्रिकल सेप में होता है उसको राड कहते हैं आप हमेशा ये बात ध्यान रखना राड और बार अलग अलग चीज़ है राड मतलब वो सर्कुलर है वो बेलन की तरह है राड और बार यदि कहा जाए तो बार मतलब जो चौकोर होता है ठीक है जो क्यूबिकल शेप में होता है क्यूब के आकार का होता है तो ये फार्मूला दोनों के लिए सही होता है आप उसको राठ भी समझ सकते हो बार भी समझ सकते हो अब हमको यहाँ पर जो आघूर्ण ज्ञात करना है उसका एक्सिस है ये ठीक इसके बीचों बीच ये जो मैं डाटेड लाइन ड्रा किया हूँ इसके सापेक्ष को आघूर्ण चाहिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो राठ की लंबाई है वो मान लो एल है ये मान लेते हैं कि राड की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह राड की लंबाई क्या है एल है और इस तरह से ये मान लो एल लंबाई है तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एल बाई टू हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा एल बाई टू हो जाएगा इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं इसका ओ अब हमको इस राड के अकॉर्डिंग मतलब जैसे ये मैं रखा हूँ देखो इसको आप राड सपोज कर लो इस पेन को और हमको इस तरह से इसको रोटेट करना है एक राड जो है अपने अक्ष के चारों तरफ रोटेट हो रहा है तो उसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहिए मतलब यहाँ पर ये यह देखो कि ये इसका रोटेशनल एक्सिस है ये इसका घूर्णन अक्ष है इस तरह से तो सबसे पहले क्या करते हैं मैंने आपको बताया सबसे पहले हम इसमें एक स्मॉल इस पार्ट सपोज कर लेते हैं तो मान लो यहाँ पर हम एक स्मॉल पार्ट सपोज कर लेते हैं वो स्मॉल पार्ट है सपोज ये वो छोटा सा भाग ये है जो ब्लू कलर से मैंने बनाया और इसका मान लो चौड़ाई डी है और यहाँ से इसके बीच की दूरी को मान लो हमने एक्स मान लिया ये क्या है डिस्टेंस है मतलब इसके मूल बिंदु से ये जो हमने स्मॉल पार्ट सपोज किया है उसका डिस्टेंस मान लो एक्स है क्लियर यहाँ तक तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इकाई लंबाई का हम दर बीमार निकालते हैं ठीक है तो कैलकुलेशन हम स्टार्ट करें और हमारा वर्किंग स्टेप बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया है। ये ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है और इसके कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन का उपयोग होगा छड़ के इकाई लंबाई छड़ के इकाई लंबाई का द्रव्यमान छड़ के इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा पूरी छड़ की लंबाई और बटे या पूरे छड़ का द्रव्यमान बटे उसकी कुल लंबाई पूरे छड़ का द्रव्यमान कितना है कैपिटल एम है यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि पूरे छड़ का जो द्रव्यमान है इसको यहीं अंदर में ही लिख दिया कैपिटल एम है और इसकी लंबाई एल है तो उसके कुल द्रव्यमान में उसकी कुल लंबाई का जब हम भाग करेंगे तो हमको उसके इकाई लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा ऐसा हम हर बार करते आ रहे हैं ओके अब हम निकालेंगे अल्पांस ये अल्पांश है डी एक्स अल्पांस डी एक्स का द्रव्यमान अब यदि हम अल्पांश, ये जो हमारे पास अल्पांस डी एक्स है इसका द्रव्यमान निकालें और इसको हम कह दें dm, ये तो क्या हो जाएगा उसके इकाई लंबाई का द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम अपान एल और इनटू हो जाएगा डी एक्स इन डी एक्स मतलब उसकी लंबाई का उसमें गुणा हो जाएगा क्लियर यहां तक यह हो गया अल्पांश dx का द्रव्यमान जब हम अल्पांश डी का द्रव्यमान निकाल लेते हैं तो उसके बाद निकालते हैं उस अल्पांश का मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो इसलिए अल्पांश डीएक्स का जड़वागुण अब यदि हम इसका आघूर्ण निकालें और इसको हम प्रदर्शित कर दें किसे डी आई से तो अल्पांस डी एक्स का जो आघूर्ण होगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर तो द्रव्यमान क्या है डी एम और इन टू आर स्क्वायर तो घूर्णन अक्ष से इसके बीच की दूरी को हमने कितना माना है अभी एक्स तो हो जाएगा डी एम इन एक्स स्क्वेयर यह होगा अब डीएम के मान को यहाँ से ला के यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को ये हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन एल और एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ और इंटू डी एक्स को बाद में लिख देता हूँ ये हो गया अल्पांश डी एक्स का जड़वागुण यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को इतना आप लिख लो ये हो गया अल्पांश डी एक्स का जड़वागुण डी आई अब हमको पूरे रात का जड़ुण निकालना है तो पूरे रात के जड़वाघुण के लिए क्या करेंगे हम इसका ओके चलिए अब हम निकाल लेते हैं देयर फॉर संपूर्ण छड़ संपूर्ण छड़ का जड़वागुण संपूर्ण क्षण का जड़ आघूर्ण को हम आई कहेंगे और आई क्वाल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अब मेरे को बताओ इसमें लिमिट क्या रखा जाए कोई बता सकता है लिमिट क्या रखा जाए उसमें जो संपूर्ण क्षण का जड़ आघूर्ण निकालेंगे उसमें लिमिट क्या रखा जाए क्योंकि आपने प्रीवियस दो एप्लीकेशन में पढ़ा है कि लिमिट जब हम रखते हैं तो किस हिसाब से रखते हैं कि उसका पूरा जो राड है या रिंग है वो कंप्लीट हो जाए तो यहां पर क्या लिमिट रखने से राड कंप्लीट हो जाएगा बताइए लिमिट क्या रखा जाए इसमें समाकलन का लिमिट क्या रखा जाए चलिए आपके कमेंट्स को देख रहा हूं मैं आप अपने चैट में लिखिए कि उसकी लिमिट क्या रखी जाए कहाँ से कहां तक समाकलन करने पर राड कंप्लीट होगा चलो ध्यान दो इधर देखो राड यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा तो राड कंप्लीट होगा लेकिन हमारा घूर्णी अक्ष यह है जो डार्टेड लाइन से आप देख रहे हो यह घूर्णी अक्ष है तो उसके बाएं तरफ यहां से यहां और दाएं तरफ इधर से यहां तो चूंकि यहां पर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको माइनस लेंगे और इसके इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको प्लस लेंगे तो यहां जो लिमिट होगा माइनस एल बाई टू से एल बाई टू होगा यह सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है माइनस एल बाई टू से एल बाई टू ये इसका लिमिट होगा देखो जब तक आप प्रॉपर लिमिट डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकालना है और समझ में भी नहीं आएगा तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू लिमिट होगा आगे हम इसको सॉल्व करें तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू और डीआई का जो वैल्यू है ये डी आई के वैल्यू को हम यहाँ से पूटअप करेंगे तो एम अपान एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एम अपन एल ये हो जाएगा एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये होगा आगे इसको सॉल्व करें हम आगे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा दैट इंप्लाइज I इक्वल यहाँ से m अपान एल कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा ये हो गया m अपान एल और अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट माइनस एल बाई टू से एल बाई टू ये होगा अब एक्स स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे तो I इक्वल टू यह होगा m अपान एल और एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा x का घात तीन बटे तीन ये मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन से इसका समाकलन होगा तो ये हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा यहाँ पर माइनस एल बाई टू से एल बाई टू ये होगा दैट इम्प्लाइज आगे और हर किया जाए इसको तो आई इक्वल टू एम अपन ये थ्री कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं तो थ्री एल हो जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब में हम लिमिट रखेंगे एक बार यहाँ पर रखेंगे हम अपर लिमिट को और उसके बाद हम रखेंगे लोअर लिमिट को एक्स क्यूब के जगह में इसको रखा जाए तो हो जाएगा एल अपॉइंट टू का क्यूब और माइनस फिर लोअर लिमिट तो माइनस एल अपॉइंट टू का क्यूब ये लिमिट रखा जाएगा इस प्रकार से हम लिमिट रख सकते हैं क्लियर चलिए यहाँ तक भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए अब लिमिट रखने के बाद इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें यहीं साइड में ही सिंप्लीफाई करता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा ताकि आपको दिखे से सेट इंप्लाइज आई इक्वल एम अपान थ्री एल एम अपान थ्री एल और यहां पर देखो एल का क्यूब और टू का पावर थ्री मतलब एट हो जाएगा हो गया एल क्यूब अपान एट यहां पर माइनस का पावर थ्री होगा तो माइनस का पावर जब विषम संख्या होता है तो वो माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस हो गया और एल क्यूब अपॉन एट ये होगा दैट इंप्लाइज आई इक्वल एम अपान थ्री एल एल क्यूब अपान एट प्लस एल क्यूब अपॉन एट जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा टू एल क्यूब अपॉन एट इस तरह से यहां से हम इसको सॉल्व करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा टू फोर जा और हो जाएगा चार तिया बारह और एक एल कैंसल आउट हो जाएगा तो दे आर फोर यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन आएगा देआर फोर आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखो एम पहले हम इसको लिख लेते हैं ये हो जाएगा चार तिया बारह तो एक बटे बारह और कैपिटल एम एक एल कैंसल आउट होगा तो एल स्क् तो वन पॉइंट ट्वेल्व एम एल स्क्वायर ये इसके लिए फार्मूला होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है वन अपॉन ट्वेल्व एम एल क्लियर यह हो जाएगा राट के कारण हम्म। hmm. अब यहां पर एक कंडीशन आप पढ़ो देखो कंडीशन यह है कि जैसे अभी हमने यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला तो हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला है इस अक्ष के अबाउट मतलब जो इस राड के केंद्र से होकर जाता है उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला है लेकिन मान लो हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस किनारे के सापेक्ष निकालना चाहते हैं मान लो हम चाहते हैं को मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस किनारे के से निकाले तो हम कैसे निकालेंगे ध्यान देना मान लो हमको परीक्षा में प्रश्न पूछे और बोले कि राड के एक किनारे के सापेक्ष जड़तवा घुण आप ज्ञात कीजिए तो उस कंडीशन में हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पहला तरीका क्या हो सकता है अब चूंकि हम इस किनारे से सॉल्व कर रहे हैं तो इस किनारे से सॉल्व करने के बाद अब ये जीरो से स्टार्ट करेंगे और इस किनारे तक जाएंगे तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे ये जो लिमिट हमने यहाँ पर लगाया है इस लिमिट को ये लिमिट को जीरो टू एल कर दोगे तो वो पूरा निकल जाएगा दो तरीके बता रहा हूँ ध्यान से सुनो पहला तरीका क्या बताया कि यदि आपको छड़ के किनारे से छड़ के एक सिरे से निकालने बोले तो पूरा प्रोसेस यही करो सिर्फ लिमिट को जीरो से एल कर दो और समाकलन करोगे तो ये निकल जाएगा और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो पहले ये निकाल लो और ये निकालने के बाद उसमें समांतर अक्ष प्रमेय लगा दो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि छड़ के एक सिरे छड़ के एक सिरे से होकर जाने वाले अक्ष के सापेक्ष यदि हमको एक सिरे से होकर जाने वाले अक्ष के सापेक्ष यदि हमको निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे समांतर अक्ष प्रमेय लगाएंगे समांतर अक्ष प्रमेय से चलो ये प्रमेय का भी मैं यूज कर देता हूं समांतर अक्ष प्रमेय से इस तरीके से आप निकाल सकते हो तो समांतर अक्ष प्रमेय से क्या हो जाएगा हमको मालूम है कि i x y। इसको मैं एक्स वाई कह दिया मान लो ये मान लो एक्स वाई है ये एक्सिस एक्स वाई है तो एक्स वाई एक्सिस के सापेक्ष अपने को निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा आई प्लस ये जो आई निकाले हैं वो और प्लस कैपिटल एम इन टू दोनों बीच के बीच की दूरी जो कि एल वाई टू है तो एम एल स्क्वायेयर ये समांतर अक्ष प्रमेय है तो समांतर अक्ष प्रमेय ये लगा देंगे दैट इक्वल आगे इसको हम सॉल्व करें तो आई अभी हमने निकाला है वन पॉइंट ट्वेल्व एम एल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर एम एल स्क्वायेयर अब इसका हम एलसीएम लेंगे एलसीएम आ जाएगा कितना ट्वेल्व तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायेयर प्लस थ्री एम एल स्क्वायेयर यह हो जाएगा देअर फॉर उस समय में जो मोमेंट ऑफ एनर्सिया होगा आई जिसको हमने आई एक्स वाई कहा है तो आई एक्स इक्वाल तीन एक चार और चार ती या बारह तो वह हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री एम एल स्क्वायेयर इस प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन में छड़ के किसी एक किनारे के सहारे मोमेंट ऑफ इनर्सिया की बात करें तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं आई एक्स वाई इक्वल वन अपॉइन थ्री एम एल स्क्वेर ओके ये हो जाएगा छड़ के किसी एक किनारे के सापेक्ष जड़वा घूर्ण तो हमने तीन एप्लीकेशन पढ़ा सबसे पहले मैं आपको बताया था रिंग मतलब वलय फिर दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा डिस्क जिसको हम चक्ती कहते हैं और तीसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा राड तो तीन एप्लीकेशन का पूरा डेरिवेशन मैं आपको बताया उसके बाद हम बाकी जो अलग अलग आकृति के पिंड होते हैं उनके जड़तवाघू को ही पढ़ेंगे लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे डायरेक्ट उसका फार्मूला हम आपको बताएंगे ओके और कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक छोटा छोटा एग्जाम्पल फिर मैं आपको सीधा उस पर लेके जाऊंगा तुलनात्मक चार्ट पर लेके जाऊंगा तो जैसे मान लो हमने सरल सरल रेखा में गति पढ़ा इधर लिख रहा हूँ मैं सरल रेखा में गति सरल रेखा में गति और इस साइड लिख रहा हूँ मैं घूर्णी गति वैसे मैं इसका पूरा चार्ट दूंगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ तो जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया रोटेशनल मोशन उसी दिन मैं आप लोगों से बात किया था कि मैक्सिमम फार्मूला वाला चैप्टर है ये मैक्सिमम फार्मूला वाला चैप्टर है और आपने देखा कि बहुत से फार्मूले हमने पढ़े उनको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कन्फ्यूज़न होता है और नेचुरली इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैं आपको आज याद करने का ट्रिक्स बताऊंगा कि सरल रेखी गति के आधार पर आपको घूर्णी गति के फार्मूले को कैसे तैयार करना है जैसे सामान्य रूप से मान लो यहाँ पर हमने विस्थापन पढ़ा मान लो हमने यहाँ पर विस्थापन पढ़ा तो रेखी विस्थापन को हमने एस कहा और यहां पर उस विस्थापन को हमने क्या कहा थीटा कहा यहां पर हमने मान लो वेग पढ़ा तो वेग भी बराबर क्या हो गया दूरी बटे समय यह हो गया तो यहां पर हमने वेग को क्या कहा ओमेगा कहा और विस्थापन क्या हो गया थीटा और अपांटी थीटा पांटी हो गया यहां पर सपोज हमने त्वरण पढ़ा तो त्वरण को हमने यहां पर ए कहा इक्वल टू क्या होता है वी t ये तो यहां पर हमने त्वरण को क्या कहा अल्फा और यहां पर ये वेलोसिटी वेलोसिटी ओमेगा हो जाता है कोडी वेग बटे समय ऐसा कहा इस प्रकार से ये एक बेसिक आपको कंपेरिजन बता रहा हूं उसके बाद जैसे हम गति का समीकरण मान लो गति के समीकरण तो गति का समीकरण प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी ध्यान देना अब मान लो हमको v टू यू प्लस ए टी बस याद है और इसको हम बनाना चाहते हैं घूर्णी गति के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको याद है और हम उसको घूर्णी गति के लिए बनाना चाहते हैं और हमने घूर्णी गति पर तो उसका कोई डेरिवेशन किया नहीं है और किसी न्यूमेरिकल में हमको जरूरत पड़ गया या इस बात की हमको आवश्यकता है सपोज कहीं पर तो कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये जो v है वो क्या होता है यहाँ पर अंतिम वेग तो यहां पर आप अंतिम वेग को रिप्रेजेंट करोगे ओमेगा से बराबर यहां पर देखो ये यू क्या है प्रारंभिक वेग तो यहां पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा नाट से ओमेगा नाट मतलब वो क्या है प्रारंभिक वेग है ओके तो ओमेगा इक्वल टू हो गया ओमेगा नाट और प्लस ये हो गया प्लस और ए क्या है त्वरण है तो यहां पर ए सामान्य त्वरण तो है लेकिन यहां पर क्या होगा कोड़ी त्वरण होगा तो अल्फ़ा हो गया और ये जो टाइम टी है वो तो टाइम टी ही रहेगा इस प्रकार से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नाट प्लस अल्फा इन टी ये हो जाएगा क्या गति का प्रथम समीकरण आगे बात आपको समझ में तो ऐसे सारे चीज को मैं कुछ उदाहरण बताया आपको तो पूरे फार्मूला को हम हमको यदि सरल रेखा में गति का फार्मूला पता है तो उसके आधार पर हम घूर्णी गति के फार्मूला में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मान लो हम सेकेंड इक्वेशन आप मोशन को यहाँ पर लिखते हैं कैसा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर अब इसको मेरे को बनाना है किसके लिए घूर्णी गति के लिए बनाना है तो क्या करूंगा मैं उसको एस विस्थापन है जो कि यहाँ पर क्या हो जाता है थीटा तो थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल यू u प्रारंभिक वेग है और मैंने बताया कि प्रारंभिक वेग को हम u नाट, नाट लिखते हैं तो ओमेगा ओमेगा लिखते हैं तो हो जाएगा और प्लस वन वन होगा और अल्फा इंटू टी तो देखो हमने गति के द्वितीय समीकरण को किसके लिए बना लिया रोटेशनल मोशन के लिए बता, बना लिया घूर्णी गति के लिए बना लिया इस प्रकार से हम सरल रेखा में गति को घूर्णी गति में परिवर्तित कर सकते हैं अलग से रट्टा मारने का जरूरत नहीं है याद करने की जरूरत नहीं है यदि आपको यहाँ पर याद है तो यहाँ पर आप बना सकते हो और ऐसे बहुत से फार्मूले हैं मैं तो कुछ को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ऐसे बहुत से फार्मूले हैं और ये सभी फार्मूला क्या कर रहे हैं अपने को अभी एक चार्ट में आपको दे रहा हूँ उसे लर्न करना है ये बात आ गई समझ में आपको मैंने आपको क्या समझाया आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना चलिए तो यह है हमारा चार्ट यह चार्ट है और इस चार्ट को आपको समझना है इस चार्ट को आपको समझना है देखो इसका स्क्रीन शार्ट ले लो और इसको बढ़िया से आप नोट करके रखो विस्थापन एक्स मैंने एक्स लिखा है यहाँ पर बुक से लिया हुआ है तो कोणीय विस्थापन थीटा रेखी वेग भी डी एक्स बाई डी टी तो कोणी एक ओमेगा दि फिटा बाई डी टी रेखी त्वरण डी वी बाई डी टी तो कोणी त्वरण अल्फाइम द्रव्यमान एम जो होता है उसका जगह ले लेता है जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान एम का जगह ले लेता है जड़त्वाघूर्ण आई बल जो कार्य यहाँ पर जो काम बल का होता है वो काम यहाँ पर हो जाता है बल आघुण का बिल्कुल ये चार्ट यदि आपको ये पता है तो आप वो बना सकते हो और हमने पूरे चैप्टर में ये सारा चीज पढ़ा है पूरे चैप्टर में वो सारा चीज पढ़ा हुआ है कुछ को मैंने यहां आप पर आपको कन्वर्ट करके भी बताया है ठीक है ये चार्ट समझ में आ रहा है ये क्लास समझ में आ रहा है, आ रहा है आपको तो आप नोट डाउन कर लो ये या तो आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीन शॉट ले लो तो किसी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा सेवन नंबर है बल बल एफ डी पी बराबर डी टी होता है संवेद परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाति होता है न्यूटन ने बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए के समानुपाती होता है न्यूटन ने बताया था तो यहाँ पर हम पढ़े हैं कि टाई इक्वल टू डी जे बाई डी टी होता है ये हमने पढ़ा है या डी एल बाई डी टी ओके ये रेखी त्वरण है ए बराबर डी वी बटे डी टी और ये कोणी त्वरण है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डीटी देखो पूरा कलेक्शन में यहां पर आपको दे रहा हूं जितने तरह का पिंड होता है इससे ज्यादा का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा सुनते जाना ध्यान से पहला है पतली छड़ पतली छड़ छड मतलब राड छड़ मतलब क्या होता है राड के मध्य बिंदु पर उसकी लंबाई के लंबवत लंबत अक्ष है यहां बराबर चित्र भी दिया हुआ है और ये उसका व्यंजक दिया है वन पॉइंट ट्वेल्व एम एल इसको हम लोगों ने डिराइव किया था आपको याद होगा आपको याद होगा कि ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था उसके बाद ये भी डिराइव किया था छड़ के एक सिरे के उसकी लंबाई के लंबत वन पॉइंट थ्री एम एल स्क्वायेयर यह मैं समानता प्रमे की सहायता से आपको निकाल के बताया था क्लियर दूसरा है पतला वृत्ति वलय इसका भी हम लोगों ने किया है हम लोगों ने निकाला है केंद्र पर तल के लंबवत एम आर इसको हम लोग निकाले थे इसको हम निकाले थे सेकंड वाले को और बाकी को आप क्या है समांतर अक्ष प्रमेय या लंब अक्ष प्रमेय की सहायता से बना सकते हो यह है व्यास के परिता यह तल में स्थित स्पर्श रेखा के परिता और यह है तल के लंबत अच्छा ये भी बताया था मेरे ख्याल से मैंने फोर नंबर फोर नंबर भी आपको बताया था इस तरह से ये फोर नंबर भी मैं बताया था ओके तो ये सब मैं आप लोगों को डिराइव करके बताया था तो ये चार्ट आप प्रिपेयर कर लो और इसी तरह से आप इसको प्रिपेयर करके तैयार करो जिसका भी आगे कॉम्पिटिटिव का टारगेट है इसलिए उसको करना जरूरी है और जिसका कॉम्पिटिटिव का टारगेट नहीं है उसके लिए तो मैं जितना बताया था डेरिवेशन वही सफिशियंट है अब वो आप लोग के टारगेट पर डिपेंड करता है कि क्या आपका टारगेट है आगे देखो वृत्ति शक्ति वृत्ति शक्ति भी मैंने आपको पढ़ाया है वृत्ति शक्ति भी पढ़ाया है और हम इसमें केंद्र पर शक्ति के तल के लंबत वाला डिराइव किए थे आपको याद होगा ये हमने डिराइव किया था इसको हमने डिराइव किया था और बाकी ब्यास के परिता तल में स्थिति स्पर्श रखा के इसको आप समांतर और लक्ष्य अक्ष के परिता निकाल सकते हो एक तैयार करने के बाद बाकी को समांतर अक्ष का प्रमेय और अक्ष के प्रमेय के सापेक्ष आप निकाल सकते हो तो इतना आप देखो स्किल्स आट ले लो इसका चलिए आगे देखो यह है ये लास्ट फार्मूला है देखो और ये सब ठोस गोला ठोस गोला का ब्यास के परिता वन टू अपन फाइव एम आर होता है बहुत यूज होता है इसका इसका बहुत यूज होता है अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सबका यूज होगा खासकर नीट में तो कई बार पूछा गया है चार्ट क्लियर नहीं दिख रहा है आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर देखिए वीडियो क्लियर दिखेगा उसके बाद स्पर्श रेखा के परिता फिर खोखला गोला ब्यास के परिता स्पर्श इस रेखा के परिता है यह पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर ठीक है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा ओके तो वहां से आप नोट्स बना लेना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो जिस नाम से हमारा यूट्यूब का चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम का भी चैनल है आप सर्च कर लेना नीट और आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फाउंडेशन बेस पहले स्ट्रांग करो जो बेसिक क्लासेस हैं इलेवंथ क्लास के ट्वेल्थ क्लास के वो सबसे पहले स्ट्रांग करो एक, एक, एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म बनाओ पहले फिर उस स्ट्रांग प्लेटफॉर्म पर आपका आगे का बिल्डिंग बनेगा इसलिए पहले बेसिक क्लियर करो मस्ट कंपल्सरी है कि आपको छोटी छोटी, छोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए शुरू से ये काम का नहीं है ये बेकार है इसको क्या समझना है ये तो ऐसे ही है ये ऐसा नहीं अभी स्टार्टिंग में आप सब चीज़ को समझो तभी आप आगे अच्छा कर पाओगे